जय गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इंटरमीडिएट की ऑडिटिंग की इस क्लास में दोस्तों जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या 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 वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों ऐसे टू वन जीरो हमने कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैड खम टू खम एसे ऐसे नहीं एस क्यू सी हमने एस क्यू सी कौन सा कवर कर लिया था दोस्तों एसक्यूसी वन का डिस्कशन हमने स्टार्ट कर दिया था क्या था एसक्यूसी वन इनफैक्ट काफी कुछ कवर कर लिया था उसमें हमने और हमने देखा कि ये वो स्टैंडर्ड है है जो बेसिकली आपको कहता है आपको कहता कि बॉस क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना चाहिए तो एक सिस्टम बनाओ पॉलिसी और प्रोसीजर वाला जिसमें छह मुद्दे होना चाहिए आपके क्या छह मुद्दे सबसे पहले लीडर कौन होगा दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना तीसरा ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया अच्छा सॉरी एक्सेप्टेंस और कंटेन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप चौथा ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी पांचवा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और छठा मॉनिटरिंग हमने इसमें वन टू थ्री फोर डिस्कस कर लिया था और अब अपन आ रहे हैं फिफ्थ पॉइंट पे विच इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस दोस्तों एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ है एंगेजमेंट परफॉर्म करना इसका मतलब ऑडिट परफॉर्म करना यानी ऑडिट परफॉर्म करने के लिए आप टीम भेजोगे और उसका एक मुखिया होगा मुखिया का नाम होगा इथी एंगेजमेंट पार्टनर और टीम का नाम होगा इथी एंगेजमेंट टीम मुखिया की जिम्मेदारी क्या है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू करे किसका टीम का तो डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस विल ओनली बी अचीव्ड इफ वी गिव देम प्रॉपर डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू जिसमें हमें क्या क्या चाहिए वी शुड ब्रीफ द विद्जेक्टिव यू नो आपके ऑब्जेक्टिव कैसे वेरी कर सकते हैं <coughs> जैसे अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसी इफ कंपनी हैज शोन लेसर प्रॉफिट्स लेकिन वहीं पे हो सकता है कि आप कंपनी कमनीक का ऑडिट करो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इफ हैज शोन मोर प्रॉफिट्स इंक्रीज प्रॉफिट्स ऐसा जरूर नहीं है सिर्फ एग्जाम्पल है बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि नेचर ऑफ सेगमेंट से आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं उसका रीजन क्या है बेटा उसका रीजन यह है कि आप लॉजिकली खुद सोचो इनकम टैक्स में हमेशा डर क्या है कि कंपनी क्लाइंट हमारा टैक्स बचाने के चक्कर में प्रॉफिट कम दिखाएगा जबकि अकाउंटिंग अदरवाइज कंपनी जाके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी चाहती है कि भैया प्रॉफिट एल में ज्यादा से ज्यादा दिखाई आइडियल सिचुएशन क्या है एल में प्रॉफिट ज्यादा इनकम टैक्स पे कम ताकि शेयर की वैल्यू भी बढ़े और टैक्स भी कम लगे इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं तो पहले आप टीम को बताओ कि भैया अपने को ये ऑडिट करना है वो करना है दोनों करना है फोकस हमारा क्या होगा पहला दूसरा यू शुड टेल देम द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इसका मतलब ऐसेज आपको कैसे अचीव करना है उसका प्रोसेस आप उन्हें बताइए कि एंगेजमेंट में आपको कांस्टेंट सुपरविजन में रखा जाएगा जरूरत पड़ने पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आप अपना रिव्यू सेट करिए तो रिव्यू रिव्यू कौन करता है नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर कब करते हैं ये बिफोर द एंड ऑफ ऑडिट इससे आप इंश्योर करोगे कि टीम ने जो जो आपने उनको समझाया था वो किया यानी एंड रिव्यू में चेक किया जाएगा कि हमारे वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए क्योंकि उससे ही प्रूफ मिलेगा हमें कि काम हुआ है यानी इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या किया टीम को उसके ऑब्जेक्टिव समझाए सेकेंड एस एस का इम्पोर्टेंस बताया फिर पूरे ऑडिट के दौरान उनको सुपरवाइज और ट्रेन करते गए का काम करने के लिए और फिर आखिरी में ऑडिट के रिव्यू किया और रिव्यू के दौरान चेक किया कि डॉक्यूमेंटेशन जो जो काम किया उसका नोटिंग करी या नहीं ये इम्पोर्टेंट है पहले जमाने में आता तो क्लास में तुम कुछ पढ़ते थे नोट्स बनाते थे आजकल तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है तो तुमको नोट्स बनाने की कोई खास जरूरत नहीं बट और एक टीम को नोट्स बनाने की उसने जो जो चेक किया वो उसे रिपोर्ट करें तो ये तो डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू परफॉर्मेंस का एक पॉइंट हो गया अगला कंसल्टेशन कंसल्टेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझो आप कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है बट समझ लीजिए कई बार एक चार्टेड अकाउंटेंट जब ऑडिट करता है तो हो सकता है कि उसको किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट का नॉलेज कम हो और उसके ही कोई दूसरे पार्टनर या ऑफिस के दूसरे स्टाफ या हो सकता है कोई दूसरा सी जो दूसरी सी ए फॉर्म में उसका दोस्त उसे उसका नॉलेज हो हमें भी उसका एक्सपीरियंस हो उस एरिया में हमारा कम है तो क्या मैं उससे पूछ सकता हूं हां बिल्कुल इसी को कहते हैं कंसल्टेशन तो कंसल्टेशन कैन बी फ्रॉम द पीपल विद इन द ऑडिट फॉर्म इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड द फॉर्म कंसल्टेशन कैन बी विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सम एडवाइस अबाउट एनी मैटर जहां पर अपन फंसे हुए तो कंसल्टेशन में इंक्लूड डिस्कशन एट अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल विद इंडिविजुअल्स हु कैन बी विद इन और आउटसाइड द फॉर्म

इसे कंसल्टेशन कहते हैं हर ऑडिट में आपको कंसल्टेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है तो आपको इंश्योर करना है कि कंसल्टेशन लेने के लिए आप प्रॉपर पॉलिसी बनाओ ताकि टीम को कभी भी जरूरत पड़े तो वो आपको बोल सके पार्टनर को और पार्टनर को जरूरत पड़े तो उसे पता हो कि मैं कंसल्टेशन कहां, कहां ले सकता हूँ देन वी हैव एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये क्या है कभी ऐसा हुआ है लाइफ में दोस्तों कि तुमने बहुत सोच विचार के फाइनली आज डिसाइड कर लिया है कि आज मैं उसे मैसेज कर दूंगा आर या पार जो भी होगा देखा जाएगा उठाया तुमने फोन और तुमने मैसेज टाइप किया एक बार दो बार तीन बार बहुत बार एडिट किया कई बार पढ़ा फाइनली अब तुमको लगा ये स्क्रिप्ट एकदम सही है ये मैं मैसेज पोस्ट कर देता मेरा सवाल आपसे ये है दोस्तों कि ये डिसाइडर मैसेज होने वाला है इसे पढ़ के या तो वहां बोलने वाली है या ना बोलने वाली है या तो वो आपको ब्लॉक करने वाली है या वो आपको रॉक करने वाली है ज्यादा हो गया सर तो ये मैसेज भेजने से पहले आप बताइए क्या बेहतर होगा क्या कि आप अपने किसी दोस्त को ये मैसेज पढ़ा दो क्या फायदा होगा सर उससे दोस्त ने मैसेज पढ़ा तो हो सकता है वो आपको कुछ टिप्स दे दे जैसे कि हमको लगा कि यार इतना क्रिटिकल है तो जब हम ये मैसेज भेजने ही वाले थे कि हमारा फ्रेंड आया नजदीकी दोस्त उसने बोला भाई क्या कर रहा है इधर से फोन लगा रहा हूँ काट क्यों रहा है मैं घर ही आ गया मैंने बोला यार भाई मैसेज लिख रहा था उसने बोला कि इसको मैंने बोला यार छुट्टी को इसने बोला क्या बात है ये हाँ? बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर विक्चर देख के आया काफी करेजियस स्टेप ले रहा है हमला हाँ यार भाई अब बहुत हो गया यार सोचते ही रह गए करें नहीं करे बोले नहीं बोले आज फाइनली आ रही है पार मैसेज भेज रहे हैं जरा पढ़ ले यार तो अपन ने दोस्त को पढ़वाया दोस्त ने बड़ा बोले अभी क्या कर रहा है ऐसा लग रहा है भीख मांग रहा है बी मैन लिख ये रो पढ़ के क्या बोल रहा है यार हमला यार ऐसा लग रहा है क्या बोले ओढ़ नहीं तो क्या यार हमने तीन चार बार पढ़ा है यार तू सही बोल रहा है तेरे बोलने क्या अदम उस नजरिए से देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मतलब क्या हो रहा है कई बार हम किसी चीज में अंदर इतने डूब जाते हैं कि हमको लगता है सब कुछ ठीक है जबकि एक्चुअल में अगर एक थर्ड व्यक्ति उसे देखेगा तो उसे लगेगा कि ओहो इसमें तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स है तो ये छोटा सा बट इंपॉर्टेंट मैसेज आपने अपने दोस्त से रिव्यू करवाया तो इससे फायदा ये हुआ कि उसने आपको कुछ टिप्स दे दिए कि बॉस इसमें थोड़ा चेंज कर इसको ऐसे कर फिर आप मैसेज जाओगे तो और ज्यादा पावरफुल इंपैक्टफुल मैसेज बने और दोस्त ये बात ध्यान रखना कि ऐसे समय में जिस दोस्त को आप मैसेज दिखा रहे हो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले दोस्त की इंडिपेंडेंस का अगर आपकी कहानी में स्ट्रेट लाइन नहीं ट्रायंगल है यानी आप और आपका दोस्त दोनों ही उस पर फोकस करे हुए हैं तो भूल के भी उसे मत दिखाना इंडिपेंडेंस इश्यू दोस्त भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए हमने दोस्त को दिखाया उसने बोला अरे वो यार बहुत बढ़िया मैसेज लिखा है हमने पहली बार देखा हमने बोला यार ये कि लल्लू को पूछ लिया इसका खुद का कोई अनुभव ही नहीं है हमें तो चाहिए कोई लव गुरु टाइप का गुरु जो हमें समझाए कि यार बॉस इसमें कैसे होना चाहिए ये क्या मैंने गलत आदमी से पूछ बस आप सोचो दोस्तों कि आप एक छोटे से इस मैसेज को वेरीफाई कराना चाह रहे हो तो बड़ी बड़ी कंपनी के तुम ऑडिट कर रहे हो और तुम ऐसे ही अपना घर के ऑडिट अपना रिव्यू बिना कराए खुद अपने डिसीजन से ओपिनियन दे रहे हो तुम्हें नहीं लगता है कि बड़ी कंपनियां जैसे लिस्टेड कंपनी जिसमें जनता का पैसा लगा है ऐसी कंपनियों का ऑडिट करने से पहले तुम्हें अपनी ही फॉर्म के किसी दूसरे पार्टनर को बुला के एक बार उसको रिव्यू करा लेना चाहिए कि भाई देख ले सब कुछ ठीक है या नहीं और वो एक बार देख लेगा तो ऐसा नहीं है कि अंदर घुस घुस के देखेगा बोले अच्छा चलो लाओ सारे आर्टिकल मुझे दे दो सारे वर्किंग पेपर मुझे दे दो चलो वापस से ऑडिट करेंगे हमने बोला प्रभु तेरे को सिर्फ क्या करना है तेरे को पटाना नहीं है सॉरी तेरे को ऑडिट नहीं करना है तेरे सिर्फ देखना है तो इसको देख ले तेरे हिसाब से प्राइमा फेसी वर्किंग पेपर से सब सही लग रहा है कुछ पूछना है तो हमसे पूछ ले अच्छा वो भी एक्सपीरियंसड आदमी है पार्टनर लेवल का आदमी पर इंडिपेंडेंट है उसने ही ऑडिट नहीं किया ये तय क्यों क्योंकि उसने किया होगा तो फिर फायदा नहीं उससे करा के हमें एक इंडिपेंडेंट आदमी चाहिए जो पहली बार इसको देख के बोले कि अरे बाप रे इसमें कुछ छूट तो नहीं रहे तो हमने बुलाया उस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को और हमने बोला कि भाई इसको एक बार ऑडिट कर दे वेरीफाई कर दे उसने बढ़िया मस्त वेरीफाई कर दिया अब हमको लगा कि कम वक्त तो ज्यादा है ये ऐसा नहीं हो कि ये है ना ऐसे ही पल्ला झाड़ने के लिए ऐसे ही कर दे तो हमने बोला भाई तेरे को है ना लिखना भी पड़ेगा कि मैंने वेरीफाई किया साइन कर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वेरीफाई कर तो उसने फिर बोला अच्छा रोग अच्छे से देखने थे फिर उनने देखा उसने बोला अरे ये वाले मैटर में तुमको गलतियां मिली रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है मटीरियल नहीं है इस तरह से हमने बोला अरे ये बहुत बड़ा प्रोविजन बनाया है इस साल कंपनी ने इसका क्या कारण है तो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो रिस्की मैटर्स है उसने हमसे डिस्कस किया हमने उसके जवाब दिए फिर वो संतुष्ट हुआ उसने बोला हाँ ठीक है तुमने काम ऐसे ही किया और जो तुम्हारे वर्किंग पेपर है तुम्हारी रिपोर्ट इसमें मैच कर रही है चलो मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूं और मेरी तरफ से ओके okay, अब तुम रिपोर्ट इशू कर दो ऐसे रिव्यू को कहा जाता है दोस्तों एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये सारी ऑडिट में कराना जरूरी नहीं है ये तभी कराने की जरूरत है दोस्तों जब आप कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो या आपकी फर्म ने इंटरनल पॉलिसी बना रखी है कि नहीं हम है ना सारी लिस्टेड कंपनी तो ऐसे ने बोला इस किसी ने बोला उसका करेंगे इसके अलावा कोई भी बैंक कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जैसे इंश्योरेंस कंपनी एन इन सब में भी हम ये प्रोसेस लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है वॉल्टरली बाकी आपको कंपल्सरली लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में ये प्रोसेस लगाना ही है इसी प्रोसेस को कहा जाता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये सीए कर रहा है अपना पार्टनर ही कर रहा है अपना भाई कर रहा है दोस्त हालांकि ऐसा कहा है कि अगर आपकी प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो फिर आपको दिक्कत आएगी तो फिर आप कोई बाहर के सीए से ये करवा सकते हो लॉजिक आया समझ में देखिए क्या बोला है सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर टेकिंग ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर रिपोर्ट इज इशूड तो उसका काम पूरा ऑडिट वापस से करना नहीं है सिर्फ सिग्निफिकेंट जजमेंट पे फोकस करेगा हेडिंग देखो दोस्तों तुम्हारे लिए एक एक करके बनाई है कोई है जो दिन रात सो नहीं रहा है और तुम्हारे लिए बैठा है और ड्राफ्ट कर रहा है डिजाइन कर रहा है सोच रहा है नजरअंदाज कर रहे हो तुमसे एक्सटेंट एक्सटेंट ऑफ रिव्यू प्योरली किस पे डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और रिस्क कितना है कि भाई रिपोर्ट गलत ना हो जाए इंगेजमेंट पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है तो एक चीज समझ लेना एंगेजमेंट पार्टनर ये ना सोचे कि मैंने किसी से रिव्यू करा लिया तो मेरी जिम्मेदारी कम हो गई जिम्मेदारी पूरी उसी की है लागू किस पे होता है सारी लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट पे अदर एंगेज फॉर्म चाहे तो एक क्राइटेरिया बना सकती है कि किस पे करवा खत्म और कुछ भी नहीं बाकी फाइनल में बहुत डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में कि कैसे होता है क्या होता है क्या क्या चेक करेगा क्या नहीं करेगा वो सारी चीज नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा हो सकता है दोस्तों क्या कि कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तुम दोस्तों के बीच में क्या कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए हैं हाँ सर आए क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए ओपन आइमर देखेंगे नहीं नहीं बारहवीं देखेंगे मुझे बारवी देख बार <laughs> बार तो बार देखना है अरे बारहवीं क्या यार इस उम्र में बारहवीं थोड़े ना देखते तेरी उम्र गई बस डॉल्स के साथ खेलने की इसने बोला तो क्या न्यूक्लियर न्यूक्रियल माने की उम्र है हमारी ओपन आइमर देखना है हटा हम बोल रहे हैं एनिमल देखेंगे एनिमल देखेंगे वो बोल रही एनिमल नहीं मुझे तो विक्की को देखना हमने बोला विक्की हो गया बुक रजिस्ट्री हो गई उसकी क्या करेगी उसको देख के हाँ नहीं हमको तो सेम बहादुर देख डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा कहना है ये बेहतर है उसका कहना होगा डिसीजन मेकिंग में इश्यू आ रहा है चलो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ ये तो डिसीजन मेकिंग हुई अब सपोज फॉर एग्जाम्पल फाइनली आपको तो मालूम ही था क्या है हार आपकी होनी नहीं है आप शैम बहादुर देखे और उसके बाद में फिर जब बाहर निकले बोला क्या हुआ बोला क्या पिक्चर थी उसने बोला उतनी तो सही थी सवाल ही नहीं बोला बिल्कुल सही जितने में एक आ गए वो इंडिया टीवी वाले बोले बताइए पिक्चर का रिव्यू दीजिए कैसी लगी आपको हम दोनों ने ऐसी बात कर रखी है दोस्तों कि कभी भी हम है ना पब्लिक में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे ऐसा हमारा ज्वाइंट डिसीजन है कि वो और मैं कभी भी पब्लिकली अलग अलग स्टैंड नहीं लेंगे क्योंकि क्या है ऐसा हमने देखा है कि लोग ने काफी फायदे उठाए हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफी है पर हमने बोला नहीं पब्लिकली हमारा ओपिनियन हमेशा हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है उसका कहना है हम तो अच्छा रिव्यू देंगे हमने बोला सवाल ही नहीं उठता आप बताइए दोस्तों ऐसे तो केस में क्या किया जाए सर बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है अरे तुम लोगों से ही सीखा है मैंने हाँ यार दोस्तों ऐसे कहता है एसक्यूसी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ऑडिट में टीम मेंबर्स के बीच में दो एंगेजमेंट पार्टनर है उनके बीच एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में जिससे मैंने कंसल्टेशन लिया उससे और मेरे बीच में किसी के भी बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं तो पॉलिसी प्रोसीजर की जिम्मेदारी है कि वो लिख के बताए कि इसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा इतनी श्याणी बात करिए इस एसक्यूसी ने उसने बताया नहीं है कि कैसे करना उसने आप के है उसने बोला आप करो तो टीम के बीच में हो सकता है जिससे आपने कंसल्टेशन लिया उससे हो सकता है पार्टनर और रिव्यूर में हो सकता है ये बात तय है कि रिपोर्ट तभी इशू होगी जब यह डिफरेंस रिजोल्व हो जाएगा और कैसे होगा इसके लिए प्रोसीजर्स फॉर्म को बनाना पड़ेंगे जैसे कि मैं भी किसी और फॉर्म से प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करके बट मुद्दे की बात दोस्तों एकदम क्लियर है क्या तभी तो क्या है दोस्त यही पर्टिकुलर रीजन है जिस कारण से क्या है <coughs> आप तो इन्होंने क्या एडवाइस दे दी है रेगुलेटरी बॉडी प्रोफेशनल बॉडी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आप आपके डिसाइड करो पर आप डिसाइड करो कैसे करेंगे बिना किए आगे नहीं बढ़े तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो क्या करेंगे हम बोलेंगे एज पर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म द डिफरेंस विल बी ओनली देन द रिपोर्ट विल बी इशूड ओनलीस इफ दर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी शुड फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स खत्म बस इतना है चलो नेक्स्ट एसक्यू सी क्या है कि तुम्हारे डिफरेंस ओपिनियन रिज़ॉल्व हो गया रिव्यू हो गया आप तुमने रिपोर्ट इशू कर दी रिपोर्ट इशू करने के बाद क्या करना चाहिए असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल इसका मतलब क्या है दोस्तों खाना खाने के बाद क्या किचन साफ करना चाहिए ये वो है दोस्त आए थे रूम में खेलने घर में रूम क्या रूम थोड़ा अजीब लगता है सुन के घर पर दोस्त खेलने आए जाने से पहले घर साफ करके जाए साफ अच्छा नहीं लगता है ठीक करके जाए ऑडिट पूरा हो गया है तुम्हारा ऑडिट खत्म होने के बाद अगले ऑडिट पे जाने से पहले कृपा करके इस ऑडिट की पूरी डॉक्यूमेंट्स वर्किंग पेपर्स की साफ सफाई कर यानी सारे वर्किंग पेपर यूं ही इकट्ठे करो उसको प्रॉपर फाइल करो फाइलिंग का मतलब क्या होता है जो काम के नहीं है यूजलेस है फाड़ के फेंको जो काम के उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करो ये परचेज़ के ये सेल के ये इन्वेंट्री के और उसको पूरी फाइल में लगाइए सीक्वेंस वाइज सबसे ऊपर एक इंडेक्स बनाइए पोस्टिट्स लगाइए टैग्स लगाइए कि यहाँ पे ये यह, ये फिर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट ऐसे सिस्टमैटिकली पूरा जमाइए और उस फाइल के ऊपर रिबन चढ़ा के उसको बांध के ऊपर लिख दीजिए कि इस तारीख पर यह फाइल हमने क्लोज कर दी है आपको सिक्सटी डेज दिए जाएंगे दोस्तों ये कार्य करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट यानी सारा खेल वेल हो गया उसके बाद में घर वालों ने क्या बोला भैया साठ मिनट है तुम्हारे पास चलो सब साफ करो हमला साठ क्यों सत्तर क्यों नहीं क्योंकि सत्तर मिनट में तो चकदे में टीम भारत के लिए हॉकी का मेडल लेकर आ गई बहुत ही फालतू आंसर एग्जाम्पल दिया आपने सॉरी बेटा सिक्सटी डेज ये बोला गया पॉलिसी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि वर्किंग पेपर फाइल की असेंबली टाइमली बेसिस पे कराए जो किसी भी केस में साठ दिन से ज्यादा नहीं होगी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से हाँ अदर देन ऑडिट के केस में आप अपनी लिमिट खुद डिसाइड करो ऑडिट में सिक्सटी डेज फिक्स है इससे क्या होगा कॉन्फिडेंशियलिटी सेफ कस्टडी इंटीग्रिटी एक्सेसिबिलिटी और रिट्रेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा ये बेनिफिट से किसका बेटे इंगेजमेंट फाइल की असेंबली लैग हो रहा है सही हो गया ठीक है तो एंगेजमेंट फाइल की आप असेंबली कराओगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा सबसे पहली बात यह होगी कॉन्फिडेंशियलिटी आपके पेपर इधर उधर घूमेंगे नहीं रिट्रीवेबिलिटी आपको कभी कोई पेपर निकालना है तो आपको फटाक से मिल जाएगा आपको समय नहीं लगेगा सेफ कस्टडी आप फाइल बना के उसको बकायदा अच्छे से पैक करके अंदर रखवा दीजिए स्टोर में ताकि अगले साल का जब ऑडिट शुरू हो तब काम कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होगी इंटीग्रिटी भी रहेगी एक्सेसिबिलिटी भी लोगों को भी पता है एक जगह सब है तो मिल जाएगा ये सब फायदे हैं डॉक्यूमेंट असेंबली ध्यान रखना वर्किंग पेपर फाइल की असेंबली सिक्सटी डेज में होती है इसका मतलब ये नहीं है रिपोर्ट देने के बाद आप मैनेजमेंट से एविडेंस गैदर कर सकते हैं साठ मिनट में फिर खेलना शुरू नहीं करना अपने को घर में ये सिक्सटी डेज क्यों दिया गया ऑडिट हो गया है सारे एविडेंस आ चुके हैं सब कम्प्लीट हो गया रिपोर्ट विपोर्ट सब इशू हो गई अब सिर्फ साफ सफाई का टाइम है वो भी मैक्सिमम सिक्सटी डेज अब हमने सर ये वर्किंग पेपर फाइल जो पैक करके एकदम हमने स्टोर रूम में अंदर डाल दी तो कितने साल तक पड़े रहना है इसे कहते हैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहली बात एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि वर्किंग पेपर जो फाइल के रूप में होंगे ऑडिट खत्म होने के बाद उससे पहले लूज होंगे ये फॉर्म की प्रॉपर्टी तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑडिट हो गया और क्लाइंट ने बोला चलो आप अगले साल तुम से ये नहीं ऑडिटर नहीं हो तो तुम कोई और ऑडिटर है तो तुम तुम्हारे पूरे फाइल हमें ट्रांसफर कर दो हमने बोला भाई ये मेरी संपत्ति है बताओ तुम्हें मैं क्लास खत्म होने के बाद बोल सकता हूं तुम्हारी नोटबुक मुझे दे दो मैंने बोला मैं तुम्हारा टीचर हूं तो मैं हक रखता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी नोटबुक ले सकूल बोल सर रहने दो गुरु दक्षिणा भी इच्छा हो तो दी जाती है और आप तो पहले ही एडवांस में ले लेते हो दक्षिणा वो पुराने गुरु थोड़े ना हो आप स्व इच्छा से है तो हमारी प्रॉपर्टी हम रखेंगे नहीं देना हमारी इच्छा होगी तो देंगे चलो इतना बोल रहे हो तो कॉपी करके देते दे पर तो मेरी प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या हुआ समझ में आ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन फर्म की प्रॉपर्टी है फर्म की इच्छा पे वो उसके पोर्शन और एक्सट्रैक्ट बना के क्लाइंट को अवेलेबल करा सकती है प्रोवाइडेड उससे उसकी इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है हाँ बाकी लॉ एंड रेगुलेशन सर्वोपरि है कभी लॉ एंड रेगुलेशन बोल दे भैया मुझे चाहिए वर्किंग पेपर तो बात कितने समय तक रखना है आपको डॉक्यूमेंटेशन तो दोस्तों क्योंकि आपको हो सकता है आने वाले सालों में पिछले सालों के वर्किंग पेपर रखे तो इसके लिए नॉर्मली कहा गया है कि सात साल तक तो क्या करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट के लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट रखनी चाहिए अदर्स के लिए आप अपनी पॉलिसी बना लें तो नॉर्मली रूल ये है कि इतना सफिशियंट टाइम हो कि आप मॉनिटरिंग प्रोसीजर लगा सके मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है जैसे नॉर्मली कई सारी कंपनियां या सी एफर्म्स में ऐसा होता है कि वो लोग हर तीन तीन साल में एक बार सारे पार्टनर के काम रिव्यू करती है और देखती है पिछले तीन साल में इन लोगों ने कैसा काम किया और उनको सुझाव देती है आगे क्या करना है कैसे करना है तो तीन साल के तो मिनिमम रखो कोई लॉ एंड रेगुलेशन ज़्यादा बोले तो उतने रखो पर अब नॉर्मली आप देखो तो कंपनीज एक्ट वगैरह में आठ आठ साल के अकाउंट रखना होते हैं तो इसके लिए बोल दिया यहां कि ऑडिट के केस में मिनिमम सात साल के तो रखने ऑडिट रिपोर्ट आपने इस साल की बनाई ना तो ये प्लस पिछले छह साल के आपको रखना yes, तो है ऐसा पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है सेवन ईयर इज इंपॉर्टेंट एम आएगा मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों मॉनिटर करते रहना क्या मॉनिटर करते रहना कि आ, हमने जो क्यू सी पी पी बनाए सही साथ चल रहे हैं किसी को कोई कंप्लेन या दिक्कत तो नहीं है कि हमारे क्यू सी पी पी में कोई चीज़ के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या आउटडेट हो गए कोई अमेंडमेंट आया इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो एकदम रेलिवेंट हैं काम आ रहे हैं पूरे हैं कंप्लीट है लोग इसको फॉलो कर रहे हैं एक्चुअल में कंप्लांस हो रहे ये इंश्योर करना मॉनिटरिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड इंक्लूड एन ऑनगोइंग गोइंग ऑफ फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्टेड कंप्लीटेड एंगेजमेंट मतलब क्या है चेक करते रहो हमेशा कि भैया जो जो एंगेजमेंट हो गई है उनमें क्वालिटी कंट्रोल फॉलो हो रहा है यानी ये आपका पूरा क्या हो गया दोस्तों छह स्टेप्स हो गए आपके क्वालिटी के चलिए कोई समस्या दिक्कत परेशानी मुद्दे हैं तो बताइए नहीं तो आगे बढ़ो वी कैन आई एज ऑफर्ड एज अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी एंगेजड इन प्रोवाइडिंग टूरिज्म ड्यू डेलीजेंस यानी उसके बारे में पता कर रहे थे ऑफ द प्रपोज क्लाइंट ही कम्स टू नो देट देर है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट हंटरिंग फॉर इलिसिट मनी ट्रेल इ लीगल स्ट्रांग सस्पिशन है कि टूरिज्म सर्विसज कंपनी प्रोवाइड कर रही है और टेरर फंड जो हो रही है क्या एक्सेप्ट करना चाहिए भागो तो इंटीग्रिटी हमें चेक करना है एस क्यूसी वन में ए सी टू ट्वेंटी दोनों में और अगर लग रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटी में है, तो अवॉइड करना चाहिए तो यहां पर देख के ऐसा लग रहा है तो अवॉइड करे बेहतर अर्पिता ने एक मिड साइज सी ए फॉर्म ज्वाइन किए उनके पार्टनर बहुत ज्यादा ही बिजी रहते थे और फर्म प्रपोज कर रही है ऑडिट वर्क एक्सेप्ट करने का जिसमें उनका कोई ज्ञान नहीं फर्म इज प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ सम एंटिटी एंगेज इन फिनटेक सेक्टर सच ऑडिट में रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स हाव एवर फॉर्म एज नो केपेबिलिटी एंड टेन पीपल क्या एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं क्योंकि एसक्यूसी वन में बोला है एक्सेप्टेंस से पहले कॉम्फिडेंस चेक करो अगर आपको लगता है नहीं है तो इस केस में बेहतर है कि आप एक्सेप्ट मत करो चले एसक्यूसी वन कैसे इंश्योर करता है कि इंडिपेंडेंस ब्रीच ना हो कल देखा था अपन ने शायद ये वाला क्वेश्चन इंडिपेंडेंस का ब्रीच ना हो कैसे इंश्योर करता है एस क्यूसी वन ये इंडिपेंडेंस वाला इश्यू था तो वो ये सारे मुद्दे थे कल देख लिया था अपन ने किसी ने बोला सर एक बार मॉनिटरिंग दोबारा बता दीजिए बेटा मॉनिटरिंग का मतलब कुछ नहीं है नजर रखना <laughs> मॉनिटरिंग तुमको कोई भी चीज याद रखने में डिफिकल्टी हो तो मेरे एग्जाम्पल पढ़ो इसमें लिख लो दोस्तों ये धरोहर है अपनी आगे काम आएगी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन मैंने तुमको क्या बोला असेंबली फाइल ये एग्जाम्पल दिया डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैंने क्या बोला कैसे रिजोल्व करना है अगर आ जाए तो सिंपल मूवी वाला एग्जाम्पल जरूरत हो डिफिकल्ट जैसे ही डिफिकल्ट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ध्यान रखना स्वीटी को दिल की बात का मैसेज भेजने से पहले गेट इट रिव्यूड अब चाहो तो ऐसे लिख लो अब मॉनिटरिंग तुमको समझ नहीं आया तो ये लो मैं तुमको टैग्स दे रहा हूँ एक तरह से ये सब क्या है टैग्स है मेमोरी टैग्स कह लो आप इससे आप रिलेट कर पाओगे दो मिनट में डिस्कशन क्या है तो मॉनिटरिंग का मेमोरी टैग क्या है कोई तुम में से स्कूल मॉनिटर क्लास मॉनिटर था क्या तुमको का को मॉनिटर बनाते थे हम थे ना सर लंच मॉनिटर वाह क्या काम था तुम्हारा सर हमारा काम था कि नियम है लंच मॉनिटर के कि जो नियम बनाए गए हैं लंच रूम से रिलेटेड उसका पालन अच्छा क्या नियमों का पालन करते थे बेटा तुम सर नियम नंबर वन लड़के अलग बैठेंगे लड़कियां अलग नियम नंबर टू सबको दो चपाती खानी है नियम नंबर थ्री कोई झूठा नहीं छोड़ेगा नियम नंबर फोर बेल बजने तक सबको जगह खाली कर देनी है नियम नंबर फाइव सबको थालियां उठा के डंप बिन में डालनी है नियम नंबर सिक्स किसी को इधर उधर कोई मौके नहीं ढूंढने हैं पूरा ध्यान खाने पे लगाना है तो ये छह नियम बनाए थे और तुमको लंच मॉनिटर बना दिया और तुम्हारा यही काम था कि चल थाली लगी चल उठा रख और ए दो रोटी खानी ना नहीं खाई तूने चलो ए झूठा डाला है कटोरी के पीछे छुपाया तूने कटोरी ऊपर कर बता क्या रखा अंदर का, का, चल इसका मतलब समझ में आया ये मॉनिटर का काम है तो क्यूसी पी पी में मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ क्यूसी पी पी में मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमें मॉनिटर करना है कि हमने जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे अब हो सकता है आपके पॉलिसी प्रोसीजर ही आउटडेट हो गए हो जैसे नियम बना रखा है बंदे बंदी एक साथ नहीं बैठेंगे सब साथ नहीं बैठते हैं तो ये आउटडेट हो चुका है अभी जरूरत ही नहीं है पहले था हमारा ऐसे नियम हम नहीं है तो फिर हटाओ ना इसको तो क्या वो रेलिवेंट है क्या वो एडिक्वेट है क्या वो काम कर रही है इन इफेक्ट क्या प्रैक्टिस हो रही है नहीं ये चीज़ें हमें मॉनिटर करने का एक सिस्टम बनाना है ये ऐसा नहीं एक बार किसी भी बना दिया सबको बोल दिया ऐसे करना है और सबको छोड़ दिया अरे यार कुछ नहीं है भाई चौकीदार का काम करने वाला कोई होना चाहिए चौकीदारी भी हो किसकी क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की अभी आया समझ में क्या करते हो था? डॉक्यूमेंटेशन बेटा प्रॉपर्टी फर्म की है डॉक्यूमेंटेशन यानी हमारी संपत्ति है हमारी संपदा है कोई हमसे मांग नहीं सकता मांगे तो हमारी इच्छा है तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे हमारी मतलब सी ए फर्म की चलिए अब दोस्तों एसक्यूसी वन हो गया ना तो ऐसे दो सौ बीस हो गया क्योंकि एसक्यूसी वन बोलता है कि क्वालिटी सारे कामों में होना चाहिए ऑडिट में रिव्यू में अश्योरेंस रिलेटेड सर्विस सारे कामों में और ऐसे 220 हंड्रेड एंड ट्वेंटी कहता है कि ऑडिट में आपको कैसे क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना है कैसे करना है जो एस क्यू सी ने बोला है वो सब लगा के हमें ऑडिट पे फॉलो करना है तो किसकी जिम्मेदारी है ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करने की एंगेजमेंट पार्टनर की क्या उद्देश्य होना चाहिए इंगेजमेंट पार्टनर का पार्टनर का ही नहीं पार्टनर और टीम का उद्देश्य होना चाहिए कि ऑडिट इज डन एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट इश्यूड इज अप्रोप्रिएट टू दर्कमस्टें उन्हें इंश्योर करना है कि हम इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट का ख्याल रखें उन्हें इंश्योर करना है कि उनको क्लाइंट एक्सेप्ट या रिटेन तभी करना है जब उसकी इंटीग्रिटी आपकी कॉम्पिटेंस केपेबिलिटी चेक की गई और टाइम रिसोर्स अवेलेबल हो एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करें तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम प्रॉपर तुम्हारे पास एंगेजमेंट टीम में ऐसे काबिल लोग हो जो इस ऑडिट को एज पर स्टैंडर्ड और सही रिपोर्ट देने जैसे अंजाम तक पहुंचा सके एंगेजमेंट टीम ह्यूमन रिसोर्स फिर परफॉर्मेंस में तुम्हारे पार्टनर की जिम्मेदारी है तुमको डायरेक्शन दे सुपरविजन दे काम को रिव्यू करें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है तो करवाए फिर अपनी रिपोर्ट इशू करें मॉनिटरिंग इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें लगता है कि में कोई कमी है तो तुम लीडर को बताओ कि ये तुमने फॉलो नहीं किया कि क्यूसीपीपी तो उसे इतना करो फॉलो नहीं किया कोई कंफ्यूजन है तो उससे पूछो पर क्यूसीपीपी फॉलो करो खीट किसी ने पूछा डॉक्यूमेंटेशन में मॉनिटरिंग का क्या मतलब है बेटा मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर करना है अगर किसी सीए ने काम ढंग से किया नहीं किया तो कैसे करोगे उसके वर्किंग पेपर देख के करोगे चलो आ जाओ एसए टू ट्वेंटी क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस अप्लाइज दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ एस्क्यूसी वन एट इंडिविजुअल ऑडिट लेवल्स एट इंडिविजुअल ऑडिट असाइनमेंट लेवल्स आपको यहां पे दिया भी है मैंने देखा SQC1 क्वालिटी कंट्रोल ए टू ट्वेंटी क्वालिटी कंट्रोल SQC1 बोलता है सारी एंगेजमेंट के लिए ये ये सिर्फ ऑडिट के लिए ये पूरी फॉर्म पे लगता है ये एंगेजमेंट पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है तो उद्देश्य क्या है हम ऐसे क्वालिटी क्वालिट प्रोसीजर्स एंगेजमेंट लेवल ऑडिट लेवल पे बनाए जिससे कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त हो कि ऑडिट एज पर पी बने और रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सर्टअप सेम जैसा वन का ऑब्जेक्टिव पार्टनर की और टीम की क्या जिम्मेदारी है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर्म में एक्सक्यूसी वन लगता है क्योंकि सभी फॉर्म पर लगता है तो ऐसे दो सौ बीस कहता है पार्टनर को जिम्मेदारी लेना है कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऑडिट एंगेजमेंट में लगाया जाए और टीम को जिम्मेदारी लेना है कि वो इंप्लीमेंट करे उन प्रोसीजर्स को जो लगते हैं और फॉर्म को जब जब जरूरत पड़े इंफॉर्मेशन दे अपनी क्यूसी के बारे में इंडिपेंडेंस रिलेटेड यानी अगर कभी भी टीम को लग रहा है कि बॉस हमारे इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है तो ये जिम्मेदारी पूरी टीम की है कि इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है तो उन्हें रिपोर्ट करें लैग हो रहा है बीच बीच में देखो दिक्कत आ रही है तो फिर बंद चालू करूंगा ऐसे 220 सौ बीस इज मॉडल्ड ऑन लाइन ऑफ वन मैंने बताया ना मॉडल मतलब उसके लाइन पे ही बनाएंगे। ये ईपी की जिम्मेदारी बताता है लीडरशिप एथिकल एक्सेप्टेंस कंटेनेंट टीम बनाना परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेम वही पॉइंट्स। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बजाय एंगेजमेंट टीम पॉइंट है किसकी जिम्मेदारी है ऑडिट लेवल पे क्वालिटी की जिम्मेदारी लेने की एंगेजमेंट पार्टनर की कैसे उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है तो उसको बताना है कि भैया क्वालिटी इम्पोर्टेंट है किसको? पूरी टीम को तो समझाना है कि भाई हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट से ऑडिट करना है यूसी फॉर्म की फॉलो करनी है हमारी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू तो सरकमस्टेंस हो और बेखौफ होके अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप रिपोर्ट करें रिप्रिजल मतलब कि डांट ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती बताई तो आपको डांट पड़ जाएगी बैक फायर कर जाएगा ऐसा बैक की क्वालिटी असेंशियल है परफॉर्मिंग ऑडिट ये समझाना है कि इसको हमारे इंगेजमेंट पार्टनर एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट पार्टनर कैसे इंश्योर करेगा कि एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी थ्रेट टू तो इंडिपेंडेंस अगर है जो हमने जो सेफ बिल्ड किए हैं वो उसे प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे आइडेंटिफाई करे और या तो एलिमिनेट करे या रिड्यूस करे एक्सेप्टेबल लेवल तक हमें तो या तो उसे एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना नहीं हो पाए तो फिर विदड्रॉ करना अगर लीगली अलाउड है तो करना तो किसकी जिम्मेदारी पार्टनर क्लाइंट से ऑडिट मिला है तो क्या स्वीकार करना है या नहीं करना है तो आपको चेक करना है इंटीग्रिटी टीम की कॉम्पिटेंस टाइम और रिसोर्स एथिकल रिक्वायरमेंट और पास्ट एक्सपीरियंस ये सेम वन जैसे मैंने बोला ना वन हो गया तो दो सौ हो जाएगा कुछ है ही नहीं उसमें इट शुड बी एन्श्योर्ड बागेजमेंट पार्टनर दैट टीम एंड एनी ऑडिटर्स एक्सपर्ट हुर नॉट पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम कलेक्टिवली हैव द अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी एंड केपेबिलिटी टू परफॉर्म दंगेजमेंट टीम कैसी होना चाहिए सिंपल टीम ऐसी होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टू ट्वेंटी अचीव क्या है ऑब्जेक्टिव कंप्लाय विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ियन विच इज अप्रोप्रिएट इन सर कम्स टाइम रिपीटेशन है दोस्तों अब यह देखिए परफॉर्मेंस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है ऑडिट हो रहा है तो डायरेक्शन सुपरविजन और ऑडिट का परफॉर्मेंस किसकी जिम्मेदारी है ईपी की कि सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यानी ऐसे लॉ रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑडिट हो उसकी जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट अप्रोप्रिएट हो तो सरकमस्टेंस में ये दोनों ऐसे टू ट्वेंटी के ऑब्जेक्टिव है दोनों मतलब ये सेकेंड और ये वाला देन रिव्यू बिफोर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी उसकी जिम्मेदारी तो दोस्तों रिव्यू दो अलग अलग तरह के हो गए क्या मतलब अलग अलग तरह के हो गए इंपॉर्टेंट टर्म्स में लिखवाता हूं आज अलग अलग तरह के रिव्यूज होते हैं एक रिव्यू है सिंपली जिसको रिव्यू बोला जाता है रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम या एंगेजमेंट परफॉर्म This is basically done by the engagement partner before audit report is issued at the end of audit To check is your team done. इट हज डन इट्स वर्क एज पर एस उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया है अप्रोप्रिएट अप्रोप्रियट ऑडिटेविड ऑपटे किए वो जो ओपीरियन अभी बता रहे हैं वो मैच करता है उनके कंक्लूजन से फाइंडिंग से ये सब चेक कर फिर एक होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये लिस्टेड और स्पेसिफिक असाइनमेंट में ही होगा ऑडिट असाइनमेंट पे यहां पे अनादर पार्टनर और से प्रैक्टिस रिव्यूज बाय डिस्क और सिग्निफिकेट मैटर्स दब्जेक्टिव टू क्रॉस चेक विफोर वी इश्यू द रिपोर्ट ये वाला सारे ऑडिट इंगेजमेंट में होगा जितने ऑडिट के असाइनमेंट है सब पे होना ही है ये सिर्फ लिस्टेड और स्पेसिफिक असाइनमेंट पे होगा तो इसके अलावा एक प्योर रिव्यू होता है, होते है ये सब क्या होते हैं? ये प्योर रिव्यू आई से ही कराता है समझने के लिए ज्ञान है फाइनल में पढ़ लेंगे आप प्य रिव्यू इट इज बेसिकली अफ अम बाय अनादर सी ए Which is basically ordered or organized By ICA This is done periodically, usually once in three to four years To check whether forms. system of quality control is appropriate and the reports issued in several assignments is appropriate इसमें गलती निकलती है तो ऐसा नहीं है आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे आपको सुधारने का मौका देते हैं कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ फिर आपका वापस से साल भर बाद चेक करते रिव्यू करते फिर भी नहीं सुधरे तो फिर आपके अगेंस्ट आई एक्शन ले लें ये कोई इन्वेस्टिगेशन दी एक सपोर्ट है सी ए आईपी का मतलब है सी ए इन प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन चार्ट अकाउंट तो ये आप लिख सकते हो पार्टनर इतना नहीं समझ में आया तो कोई दूसरा सी ए जो आपका पार्टनर है एक्सटर्नल भी हो सकता है ऐसे अलग अलग रिव्यू होते हैं और होता है इसके अलावा भी रिव्यू होते हैं एक होता है क्वालिटी रिव्यू जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के द्वारा कराया जाता है ये इन्वेस्टिगेशन के नेचर का है ओनली वैन ऑडिटर फ्रॉड्स आर सस्पेक्टेड ता लग रहा है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया या नेग्लिजेंस किया इसमें पेनाल्टी लगती है ये दो होते हैं एक रिव्यू बोर्ड के द्वारा रिव्यू होता है इसे क्वालिटी रिव्यू कहते हैं और एक होता है नफरा के द्वारा रिव्यू दोनों जब फ्रॉड सस्पेक्ट है दफरा बेसिकली लिस्टेड कप्ती वगैरह के ऑडिटर पे फोकस करती है क्यू भी दूसरे पे करती है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड दोनों का उद्देश्य वही है और ये दोनों तभी कराए जाते हैं जब आपको कोई फ्रॉड सस्पेक्शन है यहाँ पे गलती अगर आपकी गलती पकड़ में आई तो आप पे पेनल्टी लगाएंगे मौका नहीं देंगे सुधरने ये जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है ना ये बेसिकली इट इज अ बोर्ड ऑफ आई मेंबर्स आई सी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी सी जी इसमें नॉमिनीज देती है ग्यारह लोगों की बोर्ड होती है छ पांच पांच दोनों देते हैं और चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट देते एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिख लीजिए आप एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लिखना है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शॉर्ट फॉर्म तो ये जो रिव्यू की बात हो रही है ये हादसा वाला रिव्यू था जो पार्टनर करता इस रिव्यू में वो क्या चेक करता है क्या हमारी टीम को सही मिले जिससे वो जो कंक्लूजन बना रहे हैं उनका बेसिस है उनके पास कंसल्टेशन लेने की जवाबदारी भी पार्टनर पर है लिस्टेड एंटिटी और कुछ स्पेसिफिक असाइनमेंट में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी है तो पार्टनर इंश्योर करेगा कि रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है उससे डिस्कस करेगा और जब तक रिपोर्ट नहीं देगा जब तक रिव्यू नहीं हो जाए ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये कंसल्टेशन का पॉइंट है ये साई ऑप्टेन हुए या नहीं है उसका पॉइंट है और रिव्यूर और देखेगा कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर के अनुसार उसको रिजॉल्व करके ही ऑडिट रिपोर्ट दीजिए तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एंगेजमेंट ओपिनियन सॉरी परफॉर्मेंस में एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या करेगा तो सबसे पहले आप बोलना उसको डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करना है ऑडिट का उसे इंश्योर करना है कि इस ऐसे 220 के ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो रहे हों डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करना है देखना है क्या सही उसे मिले या नहीं कंसल्टेशन अगर लिया है तो क्या डिसीजन हो गए रिव्यू की जरूरत है क्वालिटी कंट्रोल तो हुआ या नहीं नॉट डिफरेंस इतनी चीजें लिखना अगर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आपको आए तो मॉनिटरिंग इन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ वॉलिटी कंट्रोल इंक्लूड्स अ मॉनिटरिंग प्रोसेस इन्श्योर की पॉलिसी प्रोसीजर जो बनाए गए हमने वो रेलिवेंट एडिकुएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली जो हमने वहाँ पढ़ा था तो पार्टनर देखेगा कि फॉर्म के मॉनिटरिंग प्रोसेस से क्या पता पड़ रहा है और उसे डॉक्यूमेंट करता है कुछ मुद्दे जैसे कि एथिकल रिक्वायरमेंट उससे कैसे फॉलो करी कुछ इश्यूज़ आए तो कैसे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस कंटिन्यूशन कंसल्टे डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट नॉर्मली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कभी आ गए तो आ गए वो वाली बात है बट आप इसे स्किप कर सकते हर ऐसे में लिखा जाएगा कि ये ये चीज़ है अपने वर्किंग पेपर फाइल में लिखता है वाले चैप्टर इलेवन कंप्लीट हो गया आपका दोस्तों ये सर ऐसे दो बीस जल्दी हो गया जल्दी नहीं हुआ बेटा ये दो और एक ही है इसलिए अच्छा ठीक है सर चलिए एथिकल रिक्वायरमेंट क्यों देख लिया अपन ने टर्म्स ऑफ रेकरिंग एंगेजमेंट अपन ने देख लिया और एलेवेन ओ पी क्यू आर एस वाला एंगेजमेंट पार्टनर टेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग ऑडिट क्वालिटी व्हाट आर इज ऑब्जेक्टिव्स इन टेकिंग एंड एम्फेसाइजिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो बता जिसमें सब कुछ था कि उसे इंश्योर करना है एज अ लीडर एंगेजमेंट पार्टनर को ई क्यू सी पी बी फॉलो पॉलिसी प्रोसीजर लगाया जाए दो के अनुसार ऑडिट किया जाए ये ये वाला ये जिम्मेदार थ्योरी स्टार्टेड है पूरी तरह से दैट्स अबाउट इट किसी के कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए नहीं तो अपन दोस्तों के स्टडी ट्राई करते टेस्ट अंडरस्टैंडिंग पहले बाकी है क्या वो कर लेते हैं आइए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय द क्लाइंट टू ऑडिटर गलत एंगेजमेंट लेटर जो होता है वो ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को नेक्स्ट ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड ऑर्नरली बी रिटेन फॉर सिक्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट लेटर ऑडिट रिपोर्ट की डेट से सात साल तक आपको मिनिमम रखना ये वाला हमने देख लिया था ये देख लिया था ये सब हो गया हो गए हमारे सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखिए ये सारे आपके आईसीआई के मॉड्यूल के एमसीक्यूज फटाफट करवा रहा हूं जिससे अब मुझे समझ में आए कि आप कंसेप्ट समझ पाए तो आप ये तो कर ही लोगे ग्यारह का पीडीएफ डाला ना मैंने चलो फटाफट बताओ सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है 220 सौ फॉर्म पे लगता है गलत एसक्यू सी वन में प्रमाइज इज प्रमाइजेक्ट टू दो सो बीस गलत तो समझ ही नहीं आया क्या एसक्यूसी वन ये अजम्पन लेके चल रहा है कि फॉर्म पे 220 लगेगा उल्टा है 220 सौ बीस यान लेके चलता है कि फॉर्म पे जो एसक्यू वन लगेगा वो मुझे लगाना है दो सौ बीस इस प्रेमाइज पर भेज दे कि फॉर्म पे एसक्यू वन लगेगा यस पर ये तो पहला ही हमको डिफिकल्ट लग रहा है डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्यों क्योंकि तुम टेक्निकल जार्गन समझ नहीं रहे हो नहीं समझोगे तो आपके तत्ते उड़ जाएंगे किस में एम सी क्यू में और ध्यान रखना बच्चों ऑडिट एम सी क्यू से पास होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से स्कोर होता है और एम सी क्यू पास करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा तुम्हें टेक्निकल जार्गन के साथ पढ़ना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट आएंगे और उतने डाउट सॉल्व करने के लिए तुम उतनी शब्दों के जवाब ढूंढोगे और तुम्हें उतनी क्लैरिटी आएगी और जब तुम और प्रिमाइज 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 पचास बार सुन लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा हाँ ठीक है ये वो बेसिक अजम्पन है जिसके बेसिस पे काम चलिए अगला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है ओवरलुक करना Unusual circumstance को नहीं नहीं Not overlook. Assumption लेना नहीं ओवर नहीं. जनरलाइज करना नहीं नहीं बीइंग विजिलेंट यानी सतर्क बार तो ऐसा लगता है अंग्रेजी का पेपर तो कंडीशन जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बता ये ये आंसर भी साइड में दिया तो आपको आगे पीछे नहीं करना पड़े इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल थी नहीं है ये तो है ये भी है ये भी है ये, भी है, ये नहीं है इंडिपेंडेंस हो सकती है इनमें से क्या नेसेसरी नहीं है टू एस्टैब्लिश प्री कंडीशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए फ्रेमवर्क ये तो नेसेसरी है एक्नोलेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर सवाल ही उठता मैनेजमेंट ऑडिट प्रोसीजर थोड़ी ना डिजाइन करने में मदद करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी लेगा डेटा देने में कोऑपरेट करेगा पर आपके प्रोसीजर लगाने में थोड़ी ना कोऑपरेट करेगा हाँ यार आइडेंटिफाई मोस्ट अप्रोप्रियट स्टेटमेंट ऑफ इस असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन सिक्सटी डेज द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इनकेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट सही है सही है ये बोल रहा है ऑडिट रिपोर्ट से पहले कम्प्लीट होना चाहिए नॉट मोर देन सिक्सटी डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट इंगेजमेंट नहीं ऑडिट रिपोर्ट से सांट देना है कम्पलीटेड ऑन द डेट ऑन विच रिपोर्ट सैंड बस ये ए और बी आ रहा है समझ में दोस्तों लैंग्वेज समझ में आ रही है तुमको ये सब कुछ नहीं आता था ऑडिट में ये एक ठंड नहीं आता था अब देखो तुम थोड़ी क्लासेस के बाद तुम टेक्निकल भाषा करने लग गए हो एम सॉल्व करने लग गए हो अपने ओपिनियन बनाने लग गए हो ये शब्दों को समझ पा रहे हो कोई आसान भाषा थोड़ी ना है, है सिंपल है कहीं ओवर लुकिंग सोचते रह जाएंगे पर ये सब पढ़ा है अपने रिवाइज करोगे तो और बढ़िया आएगा बिना रिवीजन के बिना एक बार पढ़ के आए क्वेश्चन आंसर अगर आप दोगे तो कॉन्फिडेंस लूज ही होगा तो रोज की आदत डालो रोज पढ़ने का डेली टेक आउट जस्ट ट्वेंटी मिनट्स फॉर ऑडिट मैक्स ट्वेंटी मिनट्स थर्टी दे दो क्वेश्चन मिला के बीस मिनट पढ़ने के दस मिनट क्वेश्चन आंसर रोज बस दैट्स वाई वी आर हियर सर वेरी गुड थैंक यू सो मच लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन कंसेप्चुअली तो दोस्तों आपको मैं इतना कमेंट कर सकता हूँ क्या आपसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑडिट की आपको एलईडी बल्ब लेके ढूंढोगे तो भी शायद ही मिलेगी एमसीक्यू में तो फोड़ दोगे आप डिस्क्रिप्टिव में फोड़ने में क्या होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी लगती है कितना भी क्लास में कर लो कितना भी पढ़ लो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है कितनी बार रिवाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है आगे दोस्तों और क्वेश्चंस करेंगे आप दास एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑडिटर इज ऑफर्ड अपमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी प्रोस्पेक्टिव न्यू क्लाइंट आप लोग आई सी आई के मॉड्यूल खोल दीजिए उसमें है ये सब वहां पर मार्क कर लो आप तो काम निपटेगा का आपका भी तो दास एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑडिटर जो केस सिनारियो बेस्ड एमसी की होते हैं ना उसकी आखिरी लाइन पढ़ के कुछ नहीं होता है क्योंकि उसमें हर पैराग्राफ के ऊपर वो लोग क्या करते हैं एक एक क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते आर द बेस्ट थैंक यू प्लीज टेल हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन ऑर्डर ओके आई टेल यू दैट ऑल्सो इंटर में बहुत इजी है क्यों इजी है मालूम है क्योंकि तीन तीन चार चार मार्क के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे आंसर पॉइंट पॉइंट में लिख के मार्क्स मिल जाए प्रेजेंटेशन काम्पॉर्टेंट होता है चार पांच छह मार्क के क्वेश्चन में थ्योरी वाले में यहां तो क्या है कि मुद्दे लिखने मार्क्स देते फिर भी बताऊंगा मैं चिंता मत अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ तुमको आईसीआई के जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है बस उत्ते उत्ते करा रहा हूँ पर अपनी जो क्वेश्चन बैंक में उसमें ये नहीं है उसमें और की क्वेश्चन डाले मैंने पास्ट वाले सारे जितने रेलिवेंट है आज भी सब डाले मैंने तो वो दूंगा तुमको तुम पढ़ना टेस्ट से पहले एक बार कवर करना उन सबको फिर देखेंगे अपन उससे पहले मैं गाइडेंस दूंगा टेस्ट कैसे अपेयर करना आंसर कैसे लिखना फिर एक टेस्ट देना फिर अपन डिस्कस करेंगे आ जाओ सीए सुकन्या वन ऑफ द पार्टनर इज डीलिंग विथ न्यू क्लाइंट तो भैया कोई एक नया क्लाइंट हमें ऑफर किया जा रहा है सुकन्या एक पार्टनर है तुम कन्या देख के फिजल मत जाना पार्टनर है वो डील कर रही है नए क्लाइंट नए क्लाइंट को सुकन्या ही डील करती है तो वो नए क्लाइंट हमेशा हमारे साथ रहता तो टैलेंटेड लड़की

क्लासमेट मिला है hey, सुकन्या को है hey, सुकन्या hey, सुशांत hey, सर छोटी सोच आगे बढ़ो इन फैक्ट बोथ ऑफ देम हैड स्टार्टेड है सुशांत हैड लेट सी ए मिडवे ड्यू टू रिपीटेड फेलियर आई सी आई भी मानता है बच्चे छोड़ देते हैं और जो छोड़ते वो सी वो बन जाते हैं और जब पास होते हो बेचारे प्रैक्टिस करते रहते नोट्स uh, में मैं थोड़ा सा प्रॉपरली आपको शेयर कर देता हूँ किताब जब तक नहीं आई है तो आपको क्लैरिटी रहे ठीक है एंड्राइड इज लाक टू परस्यू एम बी एफ रैंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऐसा हुआ है दोस्तों इनकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई शुरू होने से पहले इनिशियल डिस्कशन इट ट्रांसपायर्स दैट कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च न्यू सर्विस इन द फील्ड ऑफ वेदर फोरकास्टिंग ओके सच सर्विस वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड माइक्रो वेदर इन्फॉर्मेशन वुड भी अवेलेबल ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ज्यादा डिटेल चाहिए तो पैसे दे कंपनी रिक्वेस्ट ऑडिट फॉर्म टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग ब्लो मार्केटिंग जो हवाबाजी कर रहे हैं उसमें हम ज्यादा ऑडिटर भी दिखे हैं अज्यूम फॉर्म चूजेज टू एक्सेप्ट एंड राइट टू प्रीवियस ऑडिटर वालकर एंड कम ने आपने माना है कि भाई यह नई फॉर्म ने ऑडिट एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते हैं तो पिछले ऑडिटर को कम्युनिकेट करना अनिवार्य होता है कि भाई ये ऑडिट में ले रहा हूँ कोई तेरी दिक्कत तो नहीं टू एडवाइज वेदर देर एग्जिस्ट एनी प्रोफेशनल रीजन फॉर दैम नॉट टू एक्सेप्ट द प्रोपोज ऑफर हव एवर वालकर डिन नॉट रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट ऑफ दास कम उसकी जवाबदारी या जवाब देने की नहीं दे तो फिर हम हमारा ऑडिट शुरू करें During preliminary discussion, it also became known that the said company has acquired all shares of another company. Under relevant provisions of law, financial statement of both company are to be consolidated and audited. Despite this knowledge, the company failed to advise their client regarding audit of consolidated financials. <laughs> उन्होंने कोई कंपनी के सारे शेयर खरीदे थे सीएफएस बनाने की जरूरत थी ऑडिटर ने बताया ही नहीं उनको जबकि उसको पता था कि भैया ये बनाने की जरूरत है

इंडिपेंडेंट ही नहीं रहोगे क्यों क्योंकि क्यों, आपके ऊपर आ जाएगी सेल्फ रिव्यू थ्रेट याद करो अब आपको कुछ जवाब देने पहला देखिए

प्रपोज ऑफर शुड भी एक्सेप्टेड टीम में भी हेडेड बाई अ डिफरेंट पार्टनर ऑफ द फर्म ये सबसे सही रहेगा कि आप एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ऐसा कोई इंडिपेंडेंस इशू नहीं है सिर्फ साथ में पड़ते थे बट बेहतर हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलो करना है तो हेड सुकन्या की जगह किसी और से करवा लो मैटर बहुत ही छोटा है टू बी रिपोर्टेड बाई सिकन्या टू अदर पार्टनर ठीक है डी भी ठीक है सी मोस्ट अप्रोप्रिएट हमसे ये नहीं पूछते करेक्ट एंड करेक्ट क्या है मोस्ट अप्रोप्रियट सी

प्रीवियस ऑडिटर वॉर्कर एंड कंपनी विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉट फॉलोड बाय दम अनप्रोफेशनल बिहेवियर किसी भी बात का जवाब नहीं देना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है हमको देना चाहिए था बिहेवियर दास इन कंपनी हैव फेल टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ कंसॉलिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज वायलेटेड बाई दास इन कंपनी तो अगर आपको पता था और नहीं बताया तो ये इंटीग्रिटी इशू आपको पता ही नहीं पड़ा और आपने इसलिए नहीं बताया तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तो यहां पे ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज जान करके छुपाई है या कुछ है केयरलेसनेस बोल सकते हैं अपन स्क्वाइड बेस्ट तो फिर हम यहां पे क्या बोलेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला इशू क्योंकि आपको आइडियली बताना चाहिए देखो हमें यह नहीं बताना है कि भैया आप ये बनाओ पर हमें यह तो बताना है कि हम ऑडिट करेंगे तो क्या होना चाहिए हम इन दोनों का ऑडिट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग ऑफर ऑफ वर्क ऑफ आई टी सर्विसेस सेल्फ रिव्यूड सी डी बी डिफिकल्टे हम क्लोज शेयर थी कुछ कुछ केसेस अच्छे स्टैंडर्ड्स के एम सी क्यू से दोस्तों अभी नया नया कोर्स आया है तो एम सी क्यू का पता नहीं क्वेश्चन आंसर तो तुम्हारे आईसीआई मॉड्यूल मॉड्यूल से ही आएंगे ज़्यादातर मॉड्यूल ही अच्छे से कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा मे ट्वेंटी फोर वालों की बात करें तो एम्बे ट्वेंटी फोर से ऐसे भी बाद में वही आते बाहर से कुछ नहीं पूछते इंटरन टी पी एम टी पी एक्स्ट्रा पे फोकस कर देना है ना बढ़िया ऐसे ऐसे एकदम हलवा नहीं है कि बिना बड़े अपन एकदम ऐसे दे पाएंगे सर चलिए स्ट्रांग होंगे तो आंसर नाइस चलिए दोस्तों अब आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कहो नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ चलिए अब हम आगे बढ़े उससे पहले सवाल आया है सर रिविजन इज नीडेड हाउ टू रिवाइज रिटर्न रिविजन ओरल रिविजन विल वर्क नंबर वन ओरल रिविजन विल वर्क नंबर टू रिटर्न में टेस्ट देंगे आप टेस्ट से रिविजन होगा आपका लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है जो बेसिक क्लियर करना है आपको लिखना कैसे उसका वो टेस्ट से हो जाएगा रिविज नीडेड विच मीन्स वी हैव टू रिवाइज द टॉपिक ऑन आर ओन फॉर द फर्स्ट टाइम करेक्ट तो आप ये कह रहे हो कि ओके okay, हमें हमारे लेवल पे रिवाइज करना है वो दिक्कत है अच्छा ठीक है मुझे लगा रिविजन कराओ सर इन anyway, वजह मैं रिविजन वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा अब वो टाइम अभी नहीं कमिट कर रहा मैं पर ब्रह्मा से रिवाइज करके डाल दूंगा तो वो सुनने के बाद आई थिंक आप और बेहतर फील करोगे जिसमें तीन ईयर वाला एग्जाम्पल लिया था वो समझ नहीं आया तीन साल वाला एग्जाम्पल ऐसा था बेटा कि कई सारी कंपनियां क्या करती है इंस्पेक्शन का कंसेप्ट होता है वो बोलती है कि हम हमारे सारे सी ए जैसे एक सी एफ फर्म है कंपनी नहीं फॉर्म है उसमें पाँच पार्टनर हैं तो बोलती है हम हर तीन तीन साल में क्या करेंगे एक बार एक एक करके सारे पार्टनर्स को बुलाएंगे और कोई हमारा लीडर होगा या बाहर से कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि उसने जो पिछले तीन साल में ऑडिट किए ना उनके काम का एक बार रिव्यू कर ले कैसा किया और उनको फीडबैक दे दे ताकि आने वाले समय में और बेहतर कर सके रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होता है. साल भर तुमने काम किया तो तुम्हारा एक रिव्यू होगा मीटिंग होती है अप्रेजल होता है कैसा काम किया क्या किया फीडबैक दिया जाता है तो ऐसे ही पार्टनर्स भी अपना काम रिव्यू करवाते हैं वो दूसरे पार्टनर्स या किसी से तो ये ऐसा हो सकता है पर ये आपके इंटर के सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है तो ये इंस्पेक्शन कहलाता है इंटरनल इंस्पेक्शन अपन खुद ही अपने काम का क्या कर रहे हैं इंस्पेक्शन करवा रहे हैं ऐसा प्लस पीयर रिव्यू प्लस वो जो मैंने आपको क्या लिखवाया था एक क्वालिटी रिव्यू वो भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मैंने सिर्फ तुमको नॉलेज के लिए दिया है क्यों क्योंकि जस्ट इन केस कभी तुमको देखने में वो शब्द आएगा देखना तो तो तुमको पीयर रिव्यू एटलीस्ट आएगा तुमको ध्यान में डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर सात साल तक या कोई दूसरे लॉ में ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो ऐसा कोई अभी तो लॉ है नहीं अपने ध्यान में तो सात साल तक रखना है और बताइए कुछ है तो आराम से पूछिए सबसे पहले हाँ फर्स्ट टाइम एक रिवीजन खुद से करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि मैं एक बात बताऊँ थ्योरी ऐसी चीज़ होती है जो कितनी बार भी तुम सुन लो यू विल फॉरगेट इट खुद से करोगे तो याद आएगी हाँ बट ये अभी इतना होना चाहिए कि जब तुम खुद से करो तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आना चाहिए जिसको तुमको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्या लिखा है अगर वैसा हो गया तो तुम जंग जीत गए बेटा याद बात तो मैं सब करा दूंगा अभी याद रखने पर फोकस मत करो याद सब करा दूंगा ए टू जेड चिंता ही मत करो तुम इसकी परेशानी मत हो वो रिवीजन से अपन सब मैनेज कर लेंगे उसमें मैं आई टी टोल्स यूज करूंगा आपके लिए वो छोड़ दो आप अभी आप इतना ध्यान रखो कि आपको एक एक पन्ना एक एक पॉइंट उसका कंटेंट सब कुछ समझ आ रहा है सारी टर्म समझ में आ रही है एम सी क्यूज आपसे परफेक्टली बन रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए थ्योरी आंसर लिखते तो दो पॉइंट कम आते हैं वो रिविजन का खेल है यही आंसर में पॉइंट आना चाहिए थे ये समझ में आना चाहिए उसमें भी थ्योरी क्वेश्चन में दस में से एकाद दो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि यार आप सोच रहे थे ये आएगा ये आएगा वो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट की भी रहती है वो लिख के ये अपना आंसर डाल देता है जबकि दूसरा भी करेक्ट है तो दस बीस परसेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो तो परेशान मत होना कॉन्फिडेंस लूज मत करना सब चलता है होगा ठीक है ना अपने को ऑडिट में सौ में से सौ लाने भी हो तो नहीं आते मैंने तो नहीं देखे आज तक कभी इसलिए ना ज़्यादा परेशान नहीं होना उसमें वैसे मत सोचो परस्पेक्टिव सही रखोगे ना दोस्त तो खुश रहोगे पीपल ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट आर नॉर्मली लिविंग अ सैड लाइफ पर सर आप तो बोलते हो 99 नाइन इज नॉट इनफ एफर्ट्स का 99 नाइन इज नॉट इनफ एफर्ट आपको 100 परसेंट डालना है दोस्तों इसका मतलब जब भी आपको लगे हो गया आपको ये सोचना है कि यार एक और परसेंट बाकी है तो वो करेंगे जिम जाते हैं ना दोस्तों तो जो शुरू के दस बार डंबल उठाते उससे बॉडी नहीं बनती है जो बीस बार उठाते उससे नहीं बनती है तीस बार उठाते उससे नहीं वो जो आखिरी के सेट लगाते हो ना तुम तो उससे बनती है आपके मसल उससे टोन होते हैं समझ रहे हो आप बड़ा सा पत्थर तोड़ रहा था एक बार में हथौड़े पे हथौड़े मारे जा रहा था और गिन रहा था एक तो तीन चार नियानो बार मैंने मार दिया पत्थर नहीं टूटा मैंने बोला नाइन्टी नाइन इज नॉट इनफ टूट गया इसका मतलब क्या है कि शुरू के निन्यानवो अटेम्प्ट फेल सीधे सौवीं बार वाला ही मार देना था का मतलब यह दोस्तों कई बार चाबी के गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है तो हताश नहीं होना कभी एफर्ट डालते एफर्ट सिर्फ दो शब्द अपने जीवन में फिट करके रख लो हार्डवर्क और डेडिकेशन इसके बाहर तुमको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए तुमको फालतू लगेंगे अगर लगे तो इसके दो के बाहर सोचना बंद कर दो हार्डवर्क डेडिकेशन बस कुछ नहीं चाहिए मेहनत में पीछे नहीं हटना और डेडिकेशन पूरा मेहनत का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक लगे हुए लगे हुए लगे हुए ये मेहनत नहीं होती है बेवकूफी होती है बेवकूफ़ी मेहनत का मतलब है जितनी जरूरत उतनी मेहनत अनलिमिटेड वर्क हार्ड वर्क नहीं बोला मैंने हार्ड वर्क जितना जरूरत उतना मेरा ये कंटेंट है मुझे ऐसे पढ़ने का ये कवर करने का है मैं एफर्ट डालूंगा रोज का रोज पढ़ूंगा जब पढ़ूंगा पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा आ जाए कितने नोटिफिकेशन कॉल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेडिकेटेड हो घर आएगा तो भी पढ़ूंगा इतना है कि पढ़ सकता हो तो ये हार्डवर्क है कि अपनी इच्छा नहीं हो रही है फिर भी कर रहे हैं ये कहलाता है हार्डवर्क अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं तो स्मार्ट वर्क का जमाना है बेटा स्मार्ट वर्क हार्डवर्क ऑपोजिट्स नहीं है एक दूसरे के वो अलग चीज स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि अपने को हम माली नहीं करना स्मार्टली काम करना है जो कि गलत नहीं है पर काम तो करना है ना वो वाली चीज चलिए यहीं पर बापूजी के प्रवचन की समाप्ति होती है और अब अपन आते हैं हमारे अगले चैप्टर पे चैप्टर नंबर टू ओके औरली पढ़ने से रिक्वायर हो जाए याद हो जाएंगे या लिखना पड़ेगा मैं और वाइफ जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यार दोस्तों के साथ घर वालों के साथ जाते हैं तो सूप ऑर्डर करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है काम सेटल हो जाता है क्योंकि उसको पसंद है मंचाऊ और अपने को बंट गार्लिक अब क्या होता है कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है कोई गार्लिक वाला मिल जाता है क्योंकि सूप तो वन बाय टू करके पीते हो गया। और उसको भी कोई मंचाओ शेयर करने वाले मिल ही जाते तो वन बाई टू हो जाता है पर दो लोगों में बड़ी दिक्कत होती है एक बार उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है एक बार मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है या पूरा पूरा ऑर्डर कर दो तो क्या फर्क पड़ता है थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा तो अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि सर ओरली पढ़ने से याद हो जाएगा या लिख लिख के ही होएगा तो ये डिपेंड करता है बेटा हर किसी की याद करने की अलग अलग तरीके और अलग अलग बेसिस होते हैं आपने बचपन से आदत डाल रखी कि आपको लिख के याद होता है आप उसे फॉलो करो कोई बुराई थोड़ी ना है आपको देखो आपको कैसे याद होता है आप वैसे करो अरे लिख के याद करने की अगर तुम्हारी आदत है तो इससे अच्छी कोई आदत नहीं वो तो बेस्ट है उसमें बस टाइम बहुत लगेगा तुम्हारा और एकदम पुख्ता तैयारी होती है क्योंकि जब अपन लिखते हैं ना दोस्तों तो एक बार वापस से अपन पूरी चीज को लिखते समय सोचते भी है बोलते समय आदमी क्या करता है बोलना सोचना पैरल ही चलते रहता है आदमी रुक नहीं पाता उस समय प्लस माइनस भी होता चलता पर लिखते समय उसको कुछ भी गलत लगाओ देखिएगा अच्छा ये ऐसा मैं ऐसा सोच रहा था वो इम्प्रूवमेंट ज्यादा बेहतर होता है और अगर आपकी आदत नहीं है और आपको ओरली हो जाता है तो आप औरली करो क्यों मेहनत करना लिख के कोई नई तरकीब थोड़ी ना लगाना इस उम्र में होगा अब बड़े अब क्या है नहीं सर हम करना चाहते करके देख लो एक चैप्टर में औरल याद हो रहा है बढ़िया नहीं हो रहा है तो नोट्स बना लो पर कोई भी चीज करो ना तो ऐसी करना जो सस्टेन कर पाओ पहले दिन जिम गए और बहुत सारे डंबल उठा लिए और ओवरडोज कर दी तो फिर समझ में आ गया फिर साल भर तक जिम नहीं जाना है और तीन चार दिन पांच दिन ऐसे यू खराब भी होने वाले ऐसे तन के तो चल रहे चलिए सार्थक बापू के प्रवचन यहीं समाप्त होते हैं और इसी के साथ अब हमारा अगला टॉपिक शुरू कर दे बच्चे ने बोला है सर आज नया टॉपिक शुरू मत करो दो चैप्टर हो गए उसको रिवाइज करना नहीं नहीं बेटा आपने वो करना पड़ा अभी मैं हार्ड वर्क की बात कर रहा रहे और अभी तो मैं ऐसी बात कर रहे हैं आ जाओ लेकिन हम टाइम ज़्यादा लगता है वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ बच्चे फ्लैश कार्ड बनाते छोटे छोटे ऐसे कार्ड बना के पूरे नोट्स बना देते होगा इंटर में फिर भी चल जाएगा फाइनल में गारंटी मेरी करी कर ही नहीं पाओगे कोर्स इतना तो ठीक है इंस्टीट्यूट ने थोड़ा कम कर दिया कोर्स पेपर कम कर दिया फिर भी नहीं हो पाए तो तुम्हें लगे तो एक चैप्टर में एक्सपेरिमेंट करके देख ले चलिए आइए ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर टू जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना है अपने को ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम की है ये ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग और प्रोग्राम अरे मेरे भाई कुछ नहीं है ये बेसिकली ये समझ लो तुम कि ऐसे थ्री हंड्रेड का कंटेंट है इसके अंतर्गत जो बोलता है कि आप ऑडिट शुरू करोगे तो आपको पहले स्ट्रेटेजाइज करना है फिर प्लान बनाना है और फिर डिटेल में प्रोग्राम बनाना है प्लानिंग से क्या फायदे होते हैं चलो आज वही डिस्कस कर लेते हैं तुम बताओ प्लान बनाओगे तो क्या फायदे होंगे छोड़ो थ्योरी है क्या समझाना तुमको बचपन से प्लान बना रहे हो बिजनेस स्टडीज से पढ़ते आ रहे हो मैं तो तुमको रट्टा लगवा देता हूँ व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी आप इसके लिए निमोनिक यूज करना चाहें तो कर लीजिए निमोनिक के लिए अपन एक स्पेशल कलर रख लेते हैं हा 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 वायलेट वायलेट कलर फॉर निमोनिक डार्क वायलेट कर दो सर क्या है पांडव्स पांडव क्या थे टीम थे तो प्लानिंग का एक फायदा टीम सिलेक्शन प्लस पांच पांडव्स के पांच फायदे तो टोटल छह बेनिफिट आपको याद रखना बताओ दोस्तों अर्जुन की सबसे सही बात तुम्हें क्या लगती थी भाई को मछली की आंख ही दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था तुम बताओ सबसे इफेक्टिव कौन था एफिशिएंट? दस सेकेंड में आदमी खत्म भीम 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 छोटा भीम नहीं बड़ा वाला इफेक्टिव एफिशिएंट। तुम बताओ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू धन की राय पे चलने का बीड़ा किसने उठा रखा था यूडी सिलेक्शन तो वही पता है नकुल को पूर्व अनुमान हो जाता था नकुल को उसको आभास हो जाता था पहले से ही जी आगे से सेना आ रही है हमारे पर अटैक कर रही है और सहदेव के तो नाम ही है सहायक का रोल अदर्स का रोल यानी अदर्स से कोऑर्डिनेट करने का काम उसको दे रखा था ये नकुल सहदेव ऐसे ही ज्यादा फ्रेम में नहीं आते थे दो तो तीन घंटे में इनकी पूरी महाभारत की शूटिंग खत्म हो गई थी ज्यादा रोल ही नहीं था बस ये तुम्हारे छह बेनिफिट है प्लानिंग के बाकी तो ज्ञान की बातें यार प्लानिंग से क्या होगा दोस्तों इफेक्टिवनेस और एफिशेंसी आएगी ऑडिट में और क्या हो साइंस ग्रेजुएट है जो यहाँ बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है बेटा गुड कैसा लग रहा है आपको कॉमर्स में आके अकाउंट्स <coughs> पढ़ के कैसा लग रहा है आपको क्या पढ़ रहे हैं आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पसंद आ रहा है आपको कॉमर्स अच्छा लगने लगा या फाउंडेशन में ही आ गया होगा आप तो साइंस वाले बच्चों को थोड़ा टेक ऑफ में समय लगता है पर करते बहुत अच्छा है क्योंकि मेहनती ज़्यादा रहते हैं तो दोस्तों हमें ऑडिट क्या करना है इफेक्टिव तरह से करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगी प्लानिंग के फायदे क्या है ये छह फायदे है. देखो सबसे पहली चीज फायदा क्या है प्लानिंग का आपका प्लान रहेगा तो फोकस रहेगा सुबह उठ के आपका प्लान है तो आपको मालूम है क्या करना है यू डोंट हैव अ प्लान यू डोंट नो क्या करना है समय खराब होता है तो एफिशियंसी खराब होती है समय खराब मतलब इफिशियंसी खराब समय कम ज्यादा लगना किसी चीज में यानी इन एफिशियंट काम करना आपका एफिशिएंसी खराब हो रही है वहीं आपने सब कुछ प्रॉपर प्लान कर रखा है तो आपका काम एफिशिएंटली भी होगा और इफेक्टिव भी होगा अच्छे से भी होगा एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस फोकस रहेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है प्लान बनाते समय आप पहले से ही प्रॉब्लम फोर्स ही कर लोगे अरे बुआ की लड़की की शादी में जाना अपने को पांच दिन के लिए तो अपन पहले से टाइम वैसा ही बना के रखोगे पांच दिन अपने पास कम है दूसरों से आप पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे कब कब कहाँ का इशू आने वाले प्री एम प्रॉब्लम अब क्या होता है ऑडिट एक अकेला आदमी तो करता नहीं है टीम करती है पढ़ाई आप अकेले कर रहे हो तो यहाँ पे फिर एक टीम का इंपॉर्टेंस है कि भैया ये ऑडिट के लिए कौन सी टीम लगेगी और किसको क्या काम देना है प्लस कई काम हम टीम के बाहर के लोगों से भी करवाएंगे एक्सपर्ट की मदद लेंगे इंटरनल ऑडिटर की तो अदर्स की मदद लेना ये सब प्लानिंग स्टेज पे पता पड़ जाएगा और प्लान बनेगा तभी हम टीम को सुपरवाइज कर पाएंगे जब टीम को बताया है कि ये ये करना है तभी तो अपन उसको सुपरवाइज कर पाएंगे कि वो ये कर रहा है ओके अकाउंट्स okay. हो गया ग्रुप वन दे दिया आपने बढ़िया <coughs> तो दोस्तों ये अब क्या डिस्कशन है ये है फायदे प्लानिंग के तो अल्टीमेटली हमें प्लानिंग अच्छी करने से फायदा क्या होगा हमारा ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा वो एक कम वक्त यह ऑडिट रिस्क की क्या होता है रिस्क हम गलत ओपिनियन देते हैं इसे बहुत डिटेल में अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी छोड़ दो इसको मैं ज़्यादा इसको ब्रीफ में भी नहीं बताता ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ऑडिट रिस्क इज रिड्यूज टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज हमें रिस्क और एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करना अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो जब काम ढंग से प्लान किया जाएगा तो उससे रिस्क की हम गलत ओपिनियन दे दे खत्म हो जाएगा साथ ही साथ में हम हमारे स्टैंडर्ड्स का भी पालन कर पाएंगे और समय पर भी ऑडिट कर पाएंगे तो ये बेनिफिट है ये थ्योरी है शुरू की ठीक है ये याद करने के निमोनिक दे दिया मैंने तुमको क्यों क्योंकि क्यों इसमें क्या समझाऊंगा मैं बेनिफिट ऑफ सबसे सही सवाल प्लानिंग शुरू कब होती है एमसीक्यू आया तो चलो बताओ प्लान शुरू कब होता है मैं तुमको ऑप्शन देता हूं ए बी सी डी ए बी सी डी कुछ भी लिखना एडिट एक्सेप्ट uh, करने के बाद बी इनिशियल ऑडिट एक्सेप्ट करके क्लाइंट से मीटिंग मीटिंग करके डिसीजन लेके एक बार वहां पे काम देख लिया क्या चल रहा है उसके बाद सी ऑडिट कल लेने के बाद डी पिछले साल का ऑडिट खत्म होने के बाद से क्या है अब इसका जवाब तुम ऐसे मत दो मैं दूसरी तरह से सही जवाब निकलवाता हूं तुम बताओ तुम पढ़ाई का प्लान कब शुरू कर दिए थे इंटर की पढ़ाई का प्लान तुमने शुरू कब कर दिया था इंटर की प्लानिंग पढ़ाई की ए। फाउंडेशन के एग्जाम के बाद बी फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद सी क्लासेस ज्वाइन करने पर डी अभी तक नहीं किया है <laughs> विश्व विश्वकर्मा जीत लिया है विश्व तुमने डी सही बताओ ना तुम कुछ भी बोलो भले ही फाउंडेशन पास करने के बाद ऐसा नहीं है तुमने एक्चुअल में फाउंडेशन की एग्जाम देने के साथ साथ ही इंटर की प्लानिंग शुरू कर दी थी सी का बच्चा इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है दिल जला हो जाता है कि फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई उसको दो तीन दिन बाद तो समझ ही नहीं आता क्या मस्ती करूं अभी तुमको थोड़ा कम है इंटर के बाद तुम देखना एग्जाम खत्म होगी तुमको लगेगा और ये करूंगा वो करूंगा दो दिन बाद तुम्हारे पास कुछ छने को ही नहीं रहेगा ऐसे थकेले हो जाते पर तो घूमने घूमने चले गए तो ठीक है तो आपने तो क्या है फाउंडेशन ख़त्म हुई तीन दिन बाद ही अपने टेंशन शुरू हो रही है अगर लग रहा है तुमको उम्मीद है कि पास हो जाओगे तो और इंटर अभी करें प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करें पोस्ट रिजल्ट दोनों ग्रुप देना है एक ग्रुप देना आर्टिकल जी वी आर अभी से सोचना है नहीं सोचना अरे अपने शेयर से करें या कहीं बाहर जाए क्लासेस कहाँ से लेनी होगी टाइमिंग कैसे मैच होगा ये सारी समस्याएं तुम्हारी तभी शुरू हो जाती है तो ये सही भी है समय क्यों खराब करना प्लान ही तो कर रहे हो काम थोड़ी ना करना है अभी इसलिए बोला गया है दोस्तों जैसे ही पिछला ऑडिट खत्म होता है ना अगले ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाती है ऑब्वियस भी बात है अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा तो और ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने प्लान बना दिया कि फिट हो गया अब तो पत्थर की लगी रहे अपन इसको फॉलो करेंगे अरे लक्ष्मण रेखा को भी उलंघ गए थे तो प्लान क्या चीज है तो ऐसा नहीं है कि प्लान एक बार बन गया तो बन गया या ये फिक्स हो गया कि शुरू के दो दिन में प्लान बनाता हूं बस फिर उसको फॉलो करता हूं ऐसा नहीं भैया समय के साथ साथ सब बदलना पड़ता है वो तो डॉक्टर तुम्हारी सर्जरी का प्लान बनाएगा उसने बना दिया तो ऐसा थोड़ी ना बस वो ही करेगा। वही करेगा भैया समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा पेशेंट अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है उसकी हालत बेहतर डिटोरिएट हो गई है प्लान बदलेगा तो सबसे पहली चीज समझो प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है चलते रहता है डिस्क्रीट मतलब कि ये तीन दिन डल गया खत्म ऐसा नहीं कंटिन्यूस इटरेटिव प्रोसेस है यानी समय के साथ साथ और सुधार होते जाता है इंप्रूव इटरेट्स यानी इंप्रूव विथ टाइम डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट कंटिन्यूल मतलब कंटिन्यूस इट ऑफन बिगिन शॉर्टलीफ्टर कम्प्लीशन ऑफ प्रिवियस प्लानिंग में बताता हूँ सी ए तो एक ऐसी बच्चा जब इंटर ज्वाइन करता उसको पे मिलता है एक प्लान करने का। इंटर की पढ़ाई कैसे प्लान करो फिर जब उसकी क्लासेस खत्म हो जाती है फिर उसका यूट्यूब पे एक और वीडियो उसको मिलता है छुट्टियों में कैसे पढ़ाई को प्लान करो फिर एग्जाम से एक महीने पहले एक और वीडियो आता है आखिरी महीने में कैसे प्लान करो ये तो छोड़ो एग्जाम के आखिरी पांच दिन में फिर एक प्लान आता है कि अब कैसे प्लानिंग करनी और ये तो छोड़ो हर एग्जाम के बाद एक यूट्यूब पे वीडियो आएगा कि अब अगले पेपर की कैसे प्लानिंग करनी और बच्चे भी इतनी मोहब्बत करते हैं कि सारे वीडियो देखते हैं जबकि पहले प्लान में भी बताया था आखिरी के डेढ़ दिन में क्या करना है दूसरे तीसरे सब में पर वो सारा सुनेगा <laughs> क्योंकि उसको प्लान खुद से करना नहीं है उसको सुन के ही ठीक लग रहा है तो दोस्तों प्लानिंग आखिरी तक चलती है गलत नहीं है कोई बुराई थोड़ी ना है समय के साथ साथ अपडेट करने में क्या बुराई है वी शुड नॉट बी रिजेक्ट बट होना चाहिए सिर्फ सुनना नहीं है अपने को आगे हव प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टन ऑडिट प्रोसीजर इसका मतलब क्या है दोस्तों ये बात सही है कि प्लानिंग में हमें सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट ऐसे लिखता हूं मैं सीक्वेंसिंग इज नीडेड कई बार क्या होता है दोस्तों कुछ प्रोसीजर दूसरों से पहले लगेंगे ये तो तय है यानी सम आर टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू अदर ऑडिट प्रोसीजर कुछ पहले करना पड़ेंगे दूसरों से जैसे उदाहरण के तौर पे प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट फॉलोइंग प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड अब ये तो तत्व उड़ा देगा तुम्हारा ये शब्द अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा अभी तो नहीं पर इस लाइन का मतलब यह है कि दोस्तों अब जो ऑडिट होता है ना इसका थोड़ा सा तरीका बदल दिया इंस्टीट्यूट ने करने का पढ़ने का नहीं ऑडिट रियल लाइफ में करने का इंस्टीट्यूट कहता है कि अब तुम पहले ये मत करो कि तुम ऑडिट करने जा रहे हो तो चेकिंग शुरू कर दो सबसे पहले तुम पता करो कि कंपनी में किन किन एरिया में कितना कितना रिस्क है और कौन कौन से एरिया कितने कितने मटीरियल है अमाउंट वाइज जो भी तरह से फिर उन एरियाज पे उतना कम या ज्यादा समय दो तो ऐसा ना हो कि यार मालूम पड़ा कि पेटी गैश को डिटेल में चेक करने के लिए मैंने ऑडिट का दस परसेंट टाइम निकाल दिया और बाद में फिर समय की कमी पड़ गई बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कोई क्लास कर रहे हो और उस क्लास में ऐसा हुआ कि भाई टोटल लेट से फॉर एग्जाम्पल आपके दस चैप्टर थे शुरू के तीन चैप्टर जो पढ़े वो तो आ वाह 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 पर वो तीन चैप्टर में सत्तर परसेंट टाइम निकाल दिया बैच का और आखिरी के साथ चैप्टर तीस परसेंट टाइम में चले बस फिर तो क्या गाड़ी चली है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में घास काटना समझते हो आप लोग तो नहीं पता नहीं तो ये खराब प्लानिंग का नतीजा है एक शिक्षक को भी प्लानिंग करना पड़ती है अपनी क्लास के लिए उसे भी सोचना पड़ता है कि भाई ये चैप्टर है सबसे पहले कौन से चैप्टर कितने लेंदी है कितने मटीरियल है एग्जाम के लिए क्या वेटेज है कितने ट्रिकी है उसके हिसाब से टाइम अलॉट करना पड़ता है कि ये चैप्टर अंदाजन 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 इतने इतने सेशन लेगा मैं ये नहीं बोल रहा कि जो ज्यादा मटीरियल है ज्यादा ट्रिकी है ज्यादा डिफिकल्ट है वो पहले लो ऐसा जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि सीक्वेंस में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा नहीं सीक्वेंस कई बार अलग लॉजिक से भी चल सकती है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है जैसे आप समझो कि भाई अगर मैं आपको कहता हूँ सबसे मटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है तो मैं थोड़ा ना शुरू ऑडिट रिपोर्ट से कर सकता हूँ कि भैया देखो आ, सब ऑडिट करके रिपोर्ट ऐसी बना आपने बोला ऑडिट कैसे है ये नहीं आता हमने बोला भाई वो इंपॉर्टेंट काम है वो बाद में पड़ेगा तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको प्लान बनाना है तो आजकल तरीका बदल गया है प्लान ऑडिट करने का पहले आप क्या करो आप पता करो किन एरिया में रिस्क है एरिया की मटेरियलिटी ज्यादा है और फिर उसके बेसिस पे उस पर उतना समय दो क्योंकि जग जाहिर बात है दोस्तों यू यू विल नेवर हैव हैव टाइम टाइम फॉर फॉर एवरीथिंग इन इन लाइफ लाइफ बट शुड ऑलवेज इंपॉर्टेंट थिंग्स आज तो मैं एकदम बाबा का रूप धारण करके आया हूं दोस्तों ऐसे एक के बाद एक जीवन के ऐसे अद्भुत रहस्य आपको बता रहा हूं मैं कि अगर आपने इस पर अमल कर दिया तो सी ए तो आ हा हा तो हमें इंपॉर्टेंट चीजों पे समय देना है तो इसके लिए अब ऑडिट कैसे होता है पहले हम क्या करते हैं बेटा पहले हम रिस्क नापते हैं कि कहा क्या रिस्क है मटीरियलिटी देखते हैं क्या मटीरियल है और फिर उसके ऊपर समय डिसाइड करते हैं इस समय देना है तो आप बताइए दोस्तों सबसे पहले ऑडिट में क्या होना चाहिए पहला स्टेप ऑडिट का क्या होना चाहिए पहला प्रोसीजर ऑडिट का क्या होना चाहिए टेल मी आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ ऑडिट शुड बी चाय सर ऑडिट चाय चाय अबे ऑडिट <laughs> करने जाओगे तो शुरुआत कहाँ से करोगे तो सर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट लेटर वेरी गुड उसके बाद क्या करोगे सर विल स्टार्ट विद दी ऑडिट अबे स्टार्ट कहाँ से करोगे कैसे करोगे क्या करोगे सर मीटिंग करेंगे क्लाइंट से बहुत बढ़िया क्यों करोगे मीटिंग सर समझने के क्या समझना है तुमको कि सर क्या क्या बिजनेस है कहाँ कहाँ ऑपरेशन है कैसे कैसे काम है पहले साल है ऑडिट का तो लास्ट ईयर के ऑडिट हुआ था एनुअल रिपोर्ट पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब पढ़ेंगे बहुत बढ़िया बेटा सही जा रहे हो क्यों कर रहे हो ये सब सर ताकि थोड़ी एंटिटी के बारे में हमें पता पड़े और हमें पता पड़े क्या चीज़ें रिस्की है क्या मटीरियल है थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा तो फिर प्लान अच्छे से बनेगा वाह बेटा बहुत बढ़िया इसका मतलब जब भी तुम ऑडिट करोगे तो सबसे पहले तुमको क्या करना है रिस्क असेस करना है रिस्क असेस मतलब तुमको समझना है क्लाइंट को और रिस्क असेस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा तो ऐसे कहता है ये एक उदाहरण है सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि टाइमिंग अपने को सेट करना पड़ता है जैसे कुछ प्रोसीजर हो सकता है कि हमको दूसरों से पहले लगाना पड़े एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रिस्क और कहां पर मटेरियल गलतियां हो सकती है ये पता करना है तुम इसे आइडेंटिफाई और असेस करना चाह रहे हो तो मुझे बताओ रिस्क असेस करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा तुमको पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी में मटीलिटी का मैं अमाउंट कितना फिट करूं तुम्हें समझना पड़ेगा कंपनी पे कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं क्यों क्योंकि कानून क्यों 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 की, की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे कानून बनाए कि एंटिटी में रिस्क कम से कम हो तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसीजर यानी रेशियो एनालिसिस अभी इतना समझो बाद में समझाऊंगा जिससे तुम पता कर पाओगे ओ माय गॉड कंपनी के डेटर तो हर साल बहुत बढ़ रहे हैं यानी कही कहीं ना कहीं कंपनी के फेक डेटर तो नहीं है बैड डेट्स तो नहीं हो रही है कंपनी बुक नहीं कर रही है क्या बात है कंपनी का स्टॉक बढ़ी जा रहा है बढ़ी जा रहा है कहीं अब्सोल्यूट स्टॉक तो इकट्ठा नहीं हो रहा है ऐसा शातिर होता है वो कैसे एनालिसिस करके एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क होता है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं रिस्क असेस करने के अदर रिस्क अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि तुमको बस अभी समझ में आ जाए इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट इंक्वायरी विथ टी सी डब्ल्यू जी इंक्वायरी विद इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी क्या भैया इंटरनल ऑडिटर बैठ जा रहा हमको बता तूने साल भर क्या क्या, क्या किया कहाँ गड़बड़ने के ये सब चीजें करोगे तो ही तुमको रिस्क असैस हो पाएगा तो तुमको सी बात है प्लान में ये चीजें पहले रखना है बाकी की बात में ये एक उदाहरण मात्र है और कुछ नहीं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है इसकी डेफिनेशन दी गई है ये वो ऑडिट प्रोसीजर है जिन्हें परफॉर्म किया जाता है जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंटिटी की और इंडस्ट्री की एनवायरमेंट जिसमें ऑपरेट कर रही है और कंपनी के कंट्रोल्स की और ये अंडरस्टैंडिंग लेके आप आइडेंटिफाई और असेस कर पाते हो कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फ्रॉड के कारण एरर के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कुछ समझ नहीं आएगा अभी नहीं थोड़ा बहुत आएगा बाकी अपन अगले चैप्टर में कवर करेंगे डोंट वरी टू बी डिस्कस लिख दो वापस पढ़ाऊंगा मैं वापस आ जाऊंगा नहीं आया तुमको समझ में जब मैं उस चैप्टर में बताऊँ तो बुला लेना मेरे तो ये तो क्या है कुछ चीज़ें पहले होगी बाकी बाद में होगी ये सीक्वेंस की बात हो गई चलो बढ़िया है तो बेसिकली हमने क्या बोला भाई प्लानिंग कंटिन्यूअसली इटरेटिव है कुछ चीज़ों का सीक्वेंस आपको डिसाइड करना पड़ेगा पिछला ख़त्म होते से ही शुरू हो जाता है चेंज होते रहता है बंद नहीं होती है प्लानिंग आखिरी तक चलती रहती है हाँ बताइए प्लान किसको बनाना चाहिए ऑबियस सी बात है जो की टीम मेंबर्स हैं जो एंगेजमेंट पार्टनर और सीनियर मेंबर है वो आर्टिकल को डालोगे तो वो प्लान कैसा बनाएगा वो ऐसा प्लान बनाएगा कि यार सैटरडे अपन वहाँ चलते हैं वहाँ संडे घूमने निकल जाए तो आप सिर्फ इंगेजमेंट पार्टनर और अदर की सीनियर मेंबर्स को इन्वॉल्व करिए वो लोग प्लान बनाए क्योंकि इनका अनुभव है इनकी समझ है और इनका प्लान इफेक्टिव और एफिशिएंट बनेगा ये मानते हो तुम असर्शन लेवल मतलब अभी तुम समझ लो अकाउंट लेवल कोई चीज़ तुम्हारी पूरे पी एंड एल की बैंड बजा दे बैलेंस शीट की बैंड बजा दे जैसे कंपनी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर दे अलाउड नहीं होता कंपनी का तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बज गई पर लेट से फॉर एग्जाम्पल तुमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो इससे सिर्फ तुम्हारे पीपी पी एसेट्स -पी, के बैलेंसेस गलत आएंगे असर्शन लेवल मतलब अकाउंट लेवल एक पर्टिकुलर अकाउंट पर अभी ऐसा समझ लो असरशन को अकाउंट पढ़ लो मेरे बहुत सही तरीके है ऑडिट समझने समझाने के रैप को है ना मन में किसी को बताना मत बहुत बड़ी सीक्रेट बता रहा हूं रैप को मन में केवाईसी पढ़ो रैप को मन में केवाईसी पढ़ो। सी पढ़ोसमेंट प्रोसीजर कुछ नहीं होता है पता करता होता है डेवाई सी समझते हो ना दो योर क्लाइंट तो ऑडिट करो उससे पहले उसकी यादकारी लो कि भैया ये आदमी कह दे कितना पुराता है कंपनी कह दे उधर को दे कितने पिछले फिनंशियल्स कैसे रहे प्रॉफिट्स कैसे रहे इसके ऊपर कोई लान छंद नहीं चल रहे इसके ऊपर क्या क्या कानून लगते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी रही है ये सब पता करते से अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं वो आदमी या उसके बिजनेस या उसके अंदर के कंट्रोल्स कितने रिस्की है तो ये केवाईसी में अपन एंटिटी भी पता करते हैं एंटिटी के कंट्रोल्स की भी केवाईसी करते हैं कि कंट्रोल क्या लगा रखे हैं कैसे लगा रखे मन में केवाईसी पढ़ो लिखना मत एग्जाम में आओ भूल के भी केवाईसी कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले तुमको इसलिए मैंने लिखा है मन की बात है ये आपस की बात है किसी को नहीं पता रैप समझने में आखिरी तक कई बच्चों को समझ नहीं आता है, पर केवाईसी समझ में आता है और ये केवाईसी एक्चुअल में यूएस में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना ऑडिट के बहुत ही गजब होते हैं वो सिंपल भाषा में जैसे इंडिया हम थोड़ा क्या हम यूके गवर्नमेंट है यूके में क्या होता है बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज यूज़ होती है अंग्रेजी ग्रामर बहुत यूएस में ग्रामर कोई यूज़ ही नहीं होती अंग्रेजी में बस समझ में आना चाहिए बात इतनी यूज़ होती है तो यूएस की जब तुम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे ना वहाँ के वो एकदम सटीक होते हैं वो ऐसी भाषा में लिखे होते हैं जो यू दिमाग में ऐसे फिट हो जाते हैं वहाँ पे केवाईसी बोलते हैं ऑडिट करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं हम केवाई करेंगे जिससे हमें पता पड़ेगा कंपनी उसकी इंडस्ट्री और उसके कंट्रोल्स के बारे में जिससे पता पड़ेगा क्या चीज़ों में रिस्क है मटेरियल क्या क्या चीजें हैं फ्रॉड का हो सकते हैं एरर का हो सकता है उसके बेसिस पे फिर अपन आगे अपने प्रोसीजर पर तो इतना सिंपलीफाई कर देते हैं आओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्या हमें हमारा प्लान मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए अरे वाह बहुत सही सवाल पूछा है तो द आंसर इज करना चाहिए क्यों क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को बताओगे तो वो पहले से तैयारी करके रखेगा अच्छा इस दिन आप ये डिपार्टमेंट में चेक करने जाओगे तो हम आदमी अवेलेबल रखेंगे और इतना डिटेल में मत बता देना कि मैनेजमेंट को सब पता पड़ जाए और अगर उसको कभी फ्रॉड करने की इच्छा हो तो उसको मालूम है ऑडिटर क्या चेक करेगा क्या नहीं चेक करेगा तो मैं उस हिसाब से चीज़ें बिकूँ तो यू मे डिस्कस कम्पल्सरी नहीं है इससे कंडक्ट ऑडिट में सहूलियत होगी आपको पर ध्यान रखना कि इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो कब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इफेक्टिवनेस जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लो उसका सब पता पड़ जाएगा तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो अगर वो बदमाश मैनेजमेंट हुआ ना तो उसको पता पड़ जाएगा चोरी कैसे छुपाना तो ये प्लानिंग के कुछ इनिशियल एलिमेंट्स हैं आपको जो ध्यान रखना है एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान ऑडिट ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो और आपको फिर ए बी सी डी ई ये पॉइंट लिखना पड़ेंगे ऐसा नहीं क्वेश्चन किसी एक पॉइंट पे आएगा तो ऑडिट एक कंटिन्यूस इटरेटिव प्रोसेस है इसको एक्सप्लेन करो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन करो ऐसा आएगा तो आपको उसके अंदर के पॉइंट याद रखने हैं वाले वो छः पॉइंट याद रखने चलिए ये वाला प्रोसेस ये थोड़ा सा लंबा है तो अपन आज नहीं लेंगे इसको फिर अपन इसको अगली क्लास में लेंगे उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक चीज में नोट कराना चाह रहा हूं उसे नोट कर लीजिए कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर आईसीआई कहता है वेन अ सी एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ अ क्लाइंट विच वॉज प्रीवियसली इससे पहले ऑडिटेड बाय अनादर सी ए

To respond in reasonable time, else, incoming auditor is free to accept the audit. तो रीज़नेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है पाँच दिन सात दिन दस दिन बीस दिन रीजनेबल टाइम में आपके पास जवाब आ जाना चाहिए अगर आपके पास आ गया अच्छी बात है उसका जवाब पढ़ लो आपको लगता है उसने जो बातें बताई है उससे मालूम पड़ रहा है क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है तो देख लो मत करो एक्सेप्ट आपको लग रहा है ऐसे कोई खास मुद्दा नहीं है कर लो आपकी इच्छा पर वो जवाब नहीं दे तो ऐसा नहीं है कि बार बार हमें पूछना है जब तक जवाब नहीं आया रुकना है नहीं हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी उसको उसकी जवाब देने की पूरी करना है वो नहीं करे रीजनेबल टाइम क्या होता पांच सात दस दिन और क्या आप अपना ऑडिट स्वीकार कर ले पर ये अनिवार्य है ये मैंडेटरी है दिस इज मैंडेटरी और एवरी सी एज एन ऑडिटर इसने मैंडेटरी किया है आई सी आई ने सीए एक्ट में ये डाल रखा है सीए एक्ट में प्रोविजन है इस मुल्क चलिए आज का हमारा डिस्कशन यही पूरा होता है दोस्तों कोई डाउट्स आपके रह गए हो तो बता दीजिए एल सी थैंक यू